हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे एक बात सुनो भाई ध्यान से, आप लोगों की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग कवर करेंगे। 15 दिन का आपका टारगेट रहेगा। 15 दिन के अंदर आप लोगों की 15 क्लासेस रीजनिंग की आएगी, रोज की एक क्लास एक चैप्टर की। उसके अंदर आपका कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस हो जाएगा पूरा का पूरा, चाहे आप ग्रुप डी से लेके चाहे आप सीजीएल मेंस या फिर बैंकिंग तक की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग के हर चैप्टर को कवर कर लेंगे हम लोग। ये आपका 15 दिन का टारगेट है। नेक्स्ट 15 डे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रोज का एक चैप्टर, चाहे वो 3 घंटे 4 घंटे कितनी लंबी क्लास हो, रोज का एक चैप्टर हम लोग इंग्लिश का करेंगे नेक्स्ट 15 डेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर रोज का एक चैप्टर इंग्लिश का करेंगे हम लोग। 15 दिन के अंदर इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, चाहे कितनी कितनी लंबी क्लासेस लगे कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। साथ के साथ आप लोगों की जो हरियाणा जीके की सीरीज है वो चली हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उन क्लासेस को देख सकते हो। उनके अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, जैसे आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं आप लोगों के जो एचएसएससी ने लिए हैं, चाहे आपका वो 56 ग्रुप हो, 57 ग्रुप हो, टीजीटी के जितने भी थे आपके हर सब्जेक्ट के, उनके अंदर जो आपकी हरियाणा जीके पूछी गई है वो सारा हमने कवर किया है। आप प्लेलिस्ट जाके एक बार जरूर देखिएगा। और हरियाणा जीके का क्या है, लिमिटेड सिलेबस है आप लोगों का, 1500 से 2000 क्वेश्चन है, बस उनको कर लो तो एचएसएससी उन्हीं में से पूछती है ना, तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आने वाले एग्जाम में वहीं से देखने को मिलेगा। हरियाणा जीके हमारी चली हुई है, इंग्लिश हम कंप्लीट कर लेंगे, रीजनिंग हम कंप्लीट कर लेंगे। साथ के साथ आप लोगों के जो नेशनल जीके के टॉपिक हैं वो आपका 10 मिनट का स्लॉट डेली रहेगा। किसी के अंदर हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, किसी के अंदर पॉलिटी में से कुछ उठा लिया, किसी के अंदर ज्योग्राफी में से कुछ उठा लिया, यूं करके एकदम से परफेक्ट तैयारी करनी है हम लोगों ने स्मार्ट स्टडी के साथ। तो फिर क्या है, अब आपका रीजनिंग का जो है वो सीरीज चली हुई है, क्यूब आप लोगों का कम्प्लीट हो चुका है, सॉरी डाइस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके अभी इससे पीछे वाली जो रीजनिंग की क्लास थी, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो। और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का चैप्टर। ये चैप्टर ऐसा है आप लोगों का एग्जाम में 110% आता है, इससे मतलब ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जहां पे ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन देखने को ना मिला हो, रीजनिंग आई हो और ब्लड रिलेशन ना देखने को मिला हो, ऐसा हमारा कोई पेपर गया नहीं था आज तक। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे अपना ब्लड रिलेशन का। सारे बच्चे अगर आप आज से भी तैयारी कर रहे हो ना, आज से भी एक महीने के अंदर आप लोगों की रीजनिंग, इंग्लिश, हरियाणा जीके, ये तीन चीजों की गारंटी मैं लेती हूँ, तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और साथ के साथ अपना साइड बाय साइड हर टॉपिक चलता रहेगा। तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन का भी, और साथ के साथ सारे बच्चे ना अपना नोट्स बनाते चलेंगे। ओके, सारे के सारे बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे, डाइस वाली क्लास जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। हर एक बच्चा इस क्लास को डेली लेगा, आपको रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, इतनी गारंटी है भाई। ओके, तो राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, आ जाओ सभी बच्चे। और आज की क्लास का, हमारी फर्स्ट क्लास का फर्स्ट टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन का। तो पहले तो एक बार ये बताओ सभी के सभी बच्चे कि ब्लड रिलेशन आता है ना थोड़ा बहुत आप सभी को, है ना? एक दो जैसे क्वेश्चन देखे हैं वो है ना थोड़ा सा लेवल हाई करके देता है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये रहा भाई, ठीक है? तो इस टाइप से वो है ना कोड वर्ड में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देता है, एक दो प्रीवियस ईयर में देखा है, वरना नॉर्मली 90% आपका नॉर्मली ब्लड रिलेशन होता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन कैसा होता है, बिल्कुल यूं का यूं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते चलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी बता दूँ इसके बारे में। जिस भी बच्चे को ब्लड रिलेशन नहीं आता है तो वो देख लो एक बार अपना। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आप सभी को अपना जो ब्लड रिलेशन चार्ट है ना, चार्ट वो सभी को पता होना चाहिए। अगर वो चार्ट आप सभी को पता है तो ही आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज सोल्व होंगे नहीं भाई। ठीक है, अभी देखिए ब्लड रिलेशन के अंदर क्या होता है, ये आप वाली जनरेशन होती है, ये आप वाली जनरेशन है, और इस एक लाइन में मैं सेम टू सेम आपकी जनरेशन में जितने भी आएंगे उन सभी के बारे में लिखूंगी। तो ये है ना, हम कोडिंग डालते जा रहे हैं, जो आपकी सेम जनरेशन रहेगी ना उसमें ऐसे ही कोडिंग डालनी है आपने। अभी मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे कि अपनी जो जनरेशन होती है उसके अंदर,
उसके अंदर कौन कौन आता है, अपनी जनरेशन के अंदर कौन कौन आता है बताओ। आप लोग बोलेंगे मैम एक तो हमारा भाई आएगा। कौन आएगा भाई? एक तो हमारा मैम भाई आएगा, ठीक है भाई। और कौन आएगा मैम? एक हमारी बहन भी आएगी, वो भी हमारी जनरेशन की है, ओके भाई। उसके बाद क्या है? उसके बाद मैम हमारे कज़न आएंगे। अभी कज़न कौन हो जाएंगे भाई आपके? कज़न हो जाएंगे आपके मामा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, चाचा के बच्चे, बुआ के बच्चे। ये सारे किसके अंदर आएंगे? ये सारे के सारे अपनी जनरेशन के अंदर आएंगे, क्लियर है? अपने वाली जनरेशन में, ओके मैम। उसके बाद देखिए, अब मेरे को एक बार सारे बच्चे एक बात बताओ, जो अपने हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो आपके हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो भी आप वाली जनरेशन में ही आएंगे या फिर आपके बड़े से या छोटे वाली जनरेशन में? हाँ, अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ों से शादी करोगे या बिल्कुल ही छोटे बच्चों से शादी करोगे? तो अपनी जनरेशन में करोगे ना? यस मैम। तो हस्बैंड और वाइफ भी किस जनरेशन में आएंगे? हस्बैंड और वाइफ भी इसी जनरेशन में आएंगे मैम, ओके भाई। ये क्लियर है? इतना क्लियर है जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ सारे के सारे बच्चे, जो मैंने ये भाई लिखा है, जो मैंने भाई लिखा है, इस भाई की शादी करेंगे, भाभी लेके आएंगे, तो वो भाभी भी कौन सी जनरेशन में आएगी? इसी जनरेशन में। किस में? इसी जनरेशन में जो भाभी होगी ना, ठीक है भाई, भाभी वो भी किस जनरेशन में आएगी? इसी वाली जनरेशन में, ओके मैम। अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, जो आपकी सिस्टर है, सिस्टर, सिस्टर की आप शादी करोगे, तो सिस्टर की शादी करोगे तो वो आपका क्या लगेगा मैम? जीजा लगेगा, जीजा लगेगा, बिल्कुल मैम। तो जीजा भी किस जनरेशन में आएगा? इसी जनरेशन में, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, आपकी जो भाभी है, ये वाली भाभी, ये री, ये वाली आपकी जो भाभी है, इस भाभी का कोई भाई है या कोई बहन है, वो आपका क्या लगा? इस भाभी का भाई है, वो आपका क्या लगा? तो बोलेंगे मैम इसका भाई लगेगा साला। क्या लगेगा? साला। तो जब जीजा इसी पीढ़ी में है तो साला भी इसी पीढ़ी में आएगा, है ना भाई। तो सारी चीज़ें, ये अपने वाली पीढ़ी है। किस वाली है? ये अपने वाली पीढ़ी है, ये अपनी पीढ़ी चल रही है। अब इस पीढ़ी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दूंगी मैं आप लोगों को, तो मैं बोलती हूँ कि भी ए, उससे पहले एक और बात देख लो, जहाँ पे भी मैं लड़के के बारे में बताऊँगी ना, जहाँ पे भी लड़के का जिक्र होगा, इस चीज़ को अलग से लिख लो, जहाँ पे भी लड़के का जिक्र होगा वहाँ पे प्लस से डिनोट करोगे, और जहाँ पे भी लड़की का जिक्र होगा वहाँ पे आप लोग माइनस से डिनोट करोगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। ये कोड होते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप लड़की को प्लस दिखाना चाहते हो, लड़के को माइनस, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए, ये हमसे एक नीचे वाली पीढ़ी, पहले मैं इसी पीढ़ी के हिसाब से बता दूं आप लोगों को, इसी पीढ़ी के हिसाब से बताती हूं मैं। क्या अगर मैं आप लोगों के सामने बोल दूं कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को आप लोग बस इतना बताइए, पीढ़ी तो है ये सेम, भाई बहन है, तो मतलब सीधा रिश्ता चलेगा ए और बी। अब मेरे को सिर्फ इतना बताओ, इस पीढ़ी के अकॉर्डिंग मैं ए के आगे प्लस लगाऊं या फिर बी के आगे प्लस लगाऊं, सिर्फ इतना बताइए, ए के आगे प्लस लगाऊं या बी के आगे, हमारे कोड वर्ड, इस कोड वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस आती है कि मैम ए भाई है बी का, है ना, ए भाई है, तो मैं ए के आगे क्या लगाऊंगी? प्लस लगाऊंगी। तो ये डायग्राम बनेगा ऐसे, ओके ओके मैम। मैंने बोला ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, डायग्राम तो यही बनेगा, बीच में जो तीर का निशान है ये तो सेम रहेगा, ये तो मैम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ए बी की बहन है, बहन है मीन्स माइनस है, तो बहन कौन है, ए या बी? मैम ए है, तो ए के आगे क्या लगेगा? माइनस, क्लियर भाई। तो डायग्राम बनेगा ऐसे, ठीक है। अभी इन दोनों का देखो, यहाँ पे बी का जेंडर कन्फर्म नहीं था, नहीं था, यहाँ पे भी बी का जेंडर कन्फर्म नहीं था, तो नहीं था, ओके। इनका जेंडर कन्फर्म नहीं है कि ये इसके भाई है या इसकी बहन है, इतनी चीज़ क्लियर नहीं है भाई। उसके बाद देखिए भाई सारे बच्चे, उसके बाद क्या है, सुनो मेरी बात, अभी मैं हस्बैंड वाइफ के बारे में बताती हूँ आप लोगों को। आप बोलोगे मैम मैंने बोला ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं? ऐसे लिख सकती हूँ
ए पति है, बी का पति है, क्या मैं ऐसे लिख दूं? नहीं लिखना ना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि मैम ये रिश्ता तो भाई बहन का होता है, तो थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिश्ते को टेढ़ा बना देते हैं। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता कैसा होता है? टेढ़ा मैम। तो इस साइन को ऐसे कर देंगे हम लोग। अगर हस्बैंड वाइफ की बात हो तो रिश्ता टेढ़ा दिखाएंगे। अब मेरे को सारे बच्चे ये बात बता दो, पीछे वाले में तो हमारा ये जेंडर कन्फर्म नहीं था, अब यहाँ पे बताओ बी का जेंडर कन्फर्म है या नहीं है? बताओ भाई बी का जेंडर कन्फर्म है या नहीं है, बी प्लस है या माइनस है? तो ऑटोमेटिकली बात है मैम, कॉमन सेंस की बात है कि अगर ए बी का पति है तो बी क्या हो जाएगी? पत्नी मैम। मतलब बी क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, लड़का लड़की से ही शादी करेगा ना, कॉमन सेंस है ये, तो लड़का तो आएगा नहीं यहाँ पे। बिल्कुल मैम। अभी मैंने बोला ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को बताओ माइनस कौन होएगा और प्लस कौन होएगा, जल्दी बताओ। बताओ भी फटाफट, इसके अकॉर्डिंग माइनस कौन और प्लस कौन? तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी की पत्नी, तो ए हो जाएगी माइनस और यहां पे आ जाएगा बी, बी क्या हो जाएगा? प्लस। तो डायग्राम बनेगा ऐसे। ये वाली चीजें क्लियर हैं भाई? बिल्कुल क्लियर है मैम। अभी ऊपर वाली पीढ़ी देखो सारे बच्चे, तो मेरे को एक बारी के लिए बताओ ऊपर वाली पीढ़ी में कौन कौन आता है, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में? तो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे मैम हमारे पेरेंट्स, मीन्स हमारे माता पिता। कौन आएंगे? हमारे माता पिता, माता और पिता। ठीक है भाई। उसके बाद कौन आएंगे मैम? उसके बाद हमारे अंकल आंटी आएंगे। कौन आएंगे? अंकल आंटी। अभी ये अंकल आंटी क्यों लिखा मैंने? मैम आप हिंदी में भी लिख सकते थे, तो अगर मैं हिंदी में लिखती तो क्या लिखना पड़ता? चाचा अलग से, मामा अलग से, ताऊ अलग से, चाची अलग से, मामी अलग से, ताई अलग से। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या हैं? कॉमन है भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों चीज़ें कॉमन। ठीक है भाई, ब्रदर सिस्टर कजन, वो ये तो हो जाएगा भाई। अंकल आंटी, अंकल में मैं क्या लिखती? चाचा, ताऊ, मामा, फूफा। उसके बाद यहाँ पे क्या? चाची, मामी, ताई, बुआ, मासी। तो ये सारी चीज़ें, अब ये मत सोचना कि मैम अंकल आंटी बोला है तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ये इसी के अंदर आएंगी। ठीक है भाई। ठीक है मैम। अब मेरे को सारे बच्चे ये बताओ एक बात, और ऐसा कौन सा रिश्ता है जो इसी पीढ़ी में आएगा? सोचो थोड़ा सा, दिमाग पे जोर लगाओ, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो इसी पीढ़ी में आएगा, माता पिता वाली पीढ़ी में ही? तो यहाँ पे कौन आएंगे? आपके माता पिता तो आ चुके, अब आएंगे मम्मी जी पापा जी। तो वो कौन होते हैं? माता पिता अलग होते हैं, मम्मी जी पापा जी अलग होते हैं। तो मम्मी जी पापा जी किसको बोलते हैं? सास ससुर को। किसको बोलते हैं भाई? सास ससुर को बोलते हैं, सास ससुर को, है ना? मम्मी जी पापा जी, सास और ससुर, तो वो भी किस पीढ़ी में आएंगे मैम? इसी पीढ़ी में आएंगे। ठीक है भाई। ठीक है मैम। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्वेश्चन बोला कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो इसके अकॉर्डिंग अब ये चीज देखो, ये डायग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये एरो, तो अपने डायग्राम में इस एरो को ऊपर की तरफ ही लेके जाएंगे। ए बी का पिता है ना, तो ए प्लस हो जाएगा, बी आ जाएगा नीचे, ऐसे बनेगा डायग्राम। पहले हम यूं डायग्राम में चल रहे थे, अब यूं में चलेंगे, ऊपर नीचे। क्लियर? तो ये हो जाएगा ए बी का पिता है, बी का जेंडर कन्फर्म नहीं है। अगर ये ऐसे बोल दे कि ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, तो एक बार के लिए मेरे को सभी बच्चे ये बताओ, ए बी का बेटा है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ ए बी का बेटा, क्या ये डायग्राम सही है मेरा? नहीं है ना, क्योंकि मैम अब की बार ए बेटा है, कौन है ए, तो ए ऊपर आएगा या नीचे आएगा बताइयो एक बार, ए ऊपर आएगा या नीचे आएगा? तो मैम ए नीचे आएगा, ए बेटा है अब की बार, और बेटा है तो क्या हो जाएगा मैम? ए प्लस होगा अब की बार। तो डायग्राम देखो दोनों में फर्क है,
समझ आ रहा है? उसमें ए बी का पिता था तो ए ऊपर जाएगा, पिता है तो प्लस होएगा। इसमें ए बी का बेटा है, ए नीचे आएगा तो फिर प्लस होएगा। समझ आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? ठीक है जी, ओके। अभी आगे चलते हैं हम लोग, इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी मैं बोलती हूँ कि ए बी का ससुर है। अब बताइए भाई, ए बी का ससुर है तो इसके अंदर क्या होएगा? क्या सीधा कोई ससुर बन जाता है? सीधा कोई ससुर बन जाता है, या फिर उनके बेटा बेटी के साथ शादी करनी पड़ती है तभी कोई ससुर बनता है ना? यूँ सीधा तो किसी को जाके ये नहीं बोलोगे कि ये मेरा ससुर है, नहीं बोलोगे ना। पहले शादी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? शादी करनी पड़ेगी। तो पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो बी है ना, बी बी की शादी करवानी पड़ेगी किसी न किसी के साथ। तो बी की शादी लड़के से करवा दो या लड़की से करवा दो, अभी जेंडर तो कन्फर्म है नहीं हमें, है ना, क्योंकि लड़की का भी ससुर होता है, लड़के का भी ससुर होता है। क्लियर? ठीक है भाई, ओके मैम। ए बी का ससुर है, ए बी का ससुर, तो बी की शादी पहले किसी के साथ होएगी और फिर इसका पिता कौन बनेगा? ए बनेगा, तब जाके ये ए किसका ससुर है? बी का ससुर है। तो डायग्राम बनेगा ऐसे। समझ में आ रहा है? ये वाली चीज़ समझ में आई? ठीक है, अभी जिनकी शादी हो रखी है वो इस चीज़ को एक सेकंड में समझ गए होंगे, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई है वो तो बिल्कुल माइक्रो सेकंड में समझ गए होंगे, है ना। उनको तो ये रिश्ते और भी अच्छे से याद मिलते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमें बी का जेंडर कंफर्म नहीं है। अगर ये लड़की है तो शादी लड़के के साथ हो जाएगी, लड़के का पिता ससुर बनेगा। अगर ये लड़का है तो शादी लड़की के साथ हो जाएगी, लड़की का पिता ससुर बनेगा। समझ रहे हो? क्लियर? ये था ससुर वाला सिस्टम। ओके मैम, इतना तो क्लियर है। सास वाले में क्या होता है? ये ऊपर ए था, ये माइनस हो जाता, बस बात खत्म। अच्छा, अभी मैंने बोला ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, तो इसका डायग्राम, जब तक ये सिंगल स्टेटमेंट के डायग्राम नहीं बनाने आएंगे ना, क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो अभी देखो सारे बच्चे, ए बी का चाचा है, पहले बी का कौन बनाना पड़ेगा मेरे को ये बात बताओ। चाचा कहाँ से बनता है? चाचा कहाँ से बनता है? पिता का भाई होता है ना चाचा, जब तक पिता ही नहीं होगा चाचा कहाँ से बनेगा, है ना। तो पिता का भाई, पहले बी का कोई पिता बनाना पड़ेगा, बना दिया मैम। उसके बाद पिता का भाई क्या होता है मैम? चाचा होता है, तो इसका भाई बनाना पड़ेगा मैम, ऐसे बनाना है। तो ए और चाचा है तो प्लस, तो डायग्राम बनेगा ऐसे। क्लियर भाई? दोनों चीज़ें साथ के साथ क्लियर होती चल रही हैं। ओके मैम, अब मेरे हिसाब से ये दो पीढ़ियाँ तो आपकी कंफर्म। अभी चलते हैं इससे ऊपर वाली पीढ़ी में। अब सभी बच्चे मेरे को एक बात बता दो कि इससे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन आएगा? हमसे ऊपर वाली में तो हमारे पेरेंट्स आ गए, तो उससे ऊपर वाली में कौन आएगा? तो मैम उससे ऊपर वाली में उनके पेरेंट्स आएंगे, है ना, पेरेंट्स के पेरेंट्स, मतलब कि हमारे दादा दादी आएंगे मैम, दादा दादी, और मैम हमारे नाना नानी आएंगे। कौन आएंगे? हमारे नाना नानी। क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है मैम। अच्छा जी, अब मेरे को सारे बच्चे एक बात बताओ, क्या अगर मैंने डायग्राम बोल दिया ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, तो आप बताओ भाई आप डायग्राम कैसे बनाओगे? ए बी का दादा है तो दादा कैसे बनता है मैम? दादा बनता है मैम, पहले हमारा पिता होगा और पिता का पिता हमारा दादा होगा। क्लियर भाई? ठीक है, ओके जी। हाँ भाई, जो ये आपकी दादी सास और दादा दादा ससुर है, ये भी इसी में आएंगे। अब तुम ज़्यादा ही फीलिंग ले रहे हो, थोड़ा सा कंट्रोल में करो। ए बी का दादा है भाई, ए बी का दादा, तो पहले क्या बनेगा मैम? बी का कोई पिता बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ये बी है, बी बी का कोई मैम पिता बनाना पड़ेगा। बना दिया भाई। उसके बाद पिता का पिता मैम, एक पीढ़ी और ऊपर, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा मैम? ए। डायग्राम बनेगा ऐसे। समझ में आया? समझ में आया सभी को? डायग्राम बनेगा इस तरीके से, पहले बी का कोई पिता बनाना पड़ेगा और पिता का पिता बनाना पड़ेगा, वो बन जाएगा ए। कौन बन जाएगा? ए। ओके, ओके मैम, अब चीज़ें सारी क्लियर हैं। क्लियर हैं भाई? ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बोल दिया, आ जाओ अब, तुम्हारी फीलिंग्स है ना, तुम्हारी फीलिंग्स को ही देखते हैं कितना अच्छे से समझते हो। ए बी का दादा ससुर है, अब बता दो, ए बी का दादा ससुर है, आप बताओ मेरे को डायग्राम कैसे बनेगा? बनाओ भाई।
ए बी का दादा ससुर है, और अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दादसरा बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, दादसरा। ठीक है जी, ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम। इसमें क्या होगा, ए बी का दादा ससुर, तो पहले क्या करना पड़ेगा, बी की शादी करवानी पड़ेगी किसी से, उसका दादा बनाना पड़ेगा, बी की शादी करवाओ किसी से, करवा दी, करवा दी मैम। बी की शादी सपोज करो किसी लड़के से है या फिर लड़की से, क्योंकि लड़के, अगर लड़की है ना, लड़की उन आपकी वाइफ है, तो आपकी वाइफ का जो दादा है वो आपका दादा ससुर है, और आपका जो दादा है वो आपकी वाइफ का दादा ससुर है, दोनों ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल मैम। तो बी की शादी करवानी पड़ेगी, उसका पिता बनाना पड़ेगा, उसका पिता बनाना पड़ेगा, वो कौन होगा मैम, ए। तो डायग्राम बनेगा ऐसे, ये है दादा ससुर। पहले क्या था, बी सीधा यहीं पर था क्योंकि ये बी का ही दादा था, अब क्या है, ये बी का दादा ससुर है, तो क्या हो जाएगा, अब डायग्राम बनेगा ऐसे। ठीक है, ओके भाई, आपकी फीलिंग थी ना, ये समझ में आ रहा है, तो बी का दादा ससुर बनेगा, ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ आ जाएगी बीच में। ठीक है मैम, तो अभी आगे देखिए, ये तो है हमसे ऊपर वाली पीढ़ी, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में तो बस इतना ही पूछता है, नीचे वाली पीढ़ी में आ जाओ एक बार सभी बच्चे, बताओ भाई, हमने आप लोगों की भाई बहन बना दिए यहाँ पे, आप लोगों की शादी भी करवा दी ना, ठीक है, भाभी भी ले आए, जीजा भी ले आए, साला साली भी बन गए आपके, ओके, उसके बाद आपके माता पिता भी, चाचा चाची भी, सास ससुर भी बना दिए, अब क्या होंगे, अब होंगे मैम बच्चे, क्या होंगे अब बच्चे, हमसे एक नीचे वाली पीढ़ी में है ना हमारे बच्चे होते हैं, हमसे एक नीचे वाली पीढ़ी में हमारे बच्चे होते हैं, तो ये है हमारा क्यूट सा बेटा, ये है हमारी क्यूट सी बेटी। ठीक है भाई, ठीक है मैम, अभी क्या आप ही के बच्चे होंगे, आपने अपने भाई बहन की शादी करवाई है, उनके भी बच्चे होंगे ना, तो इनके जो बच्चे हैं वो भी इसी पीढ़ी में आएंगे, वो आपके क्या होते हैं, नेफ्यू और नीस, यानी कि भतीजा भतीजी, ये तो हैं भाई के बच्चे। कोई बच्चा ऐसा है जिसको भतीजा भतीजी और भांजा भांजी में भी कन्फ्यूजन हो, नहीं है ना, भतीजा भतीजी और भांजा भांजी, ये सारे किस में आएंगे, इसी में आएंगे मैम। ठीक है, ठीक है मैम, अब क्या है, ये तो थे आपके बेटा बेटी, अब आपको क्या करना है, बच्चे भी हो गए, पहले शादी हो गई थी, अब बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद अभी बच्चों की शादी करवानी है, क्या करवानी है भाई, बच्चों की शादी करवानी है, तो बच्चों की शादी करवाएंगे, तो बेटे की शादी करवाएंगे, तो वो आपकी क्या लगेगी, वो लगेगी मैम पुत्र वधु, क्या लगेगी भाई, बेटे की शादी करवा रहे हैं तो मैम पुत्र वधु लगेगी, तो वो यहाँ पे आएगी। अब मैम मेरे को बेटी की भी शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, तो दामाद क्या आएगा, दामाद, तो वो भी इसी पीढ़ी में आएगा। क्लियर होती चल रही हैं चीज़ें, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, बेटा बेटी और दामाद पुत्र वधु सारे एक ही सीरीज में आएंगे, भतीजा भतीजी भांजा भांजी। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैम हमारे होंगे पोते, हमारे होंगे द्योते, है ना, होएंगे ना, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपके पोता पोती द्योता द्योती तो होएंगे, बिल्कुल मैम, तो पोता पोती द्योता द्योती, ठीक है। अभी कई बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता, पोता पोती तो सारे समझ जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता द्योता द्योती क्या होते हैं, तो द्योता द्योती है ना बेटी के बच्चों को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बेटी के बच्चों को, जो हमारी बेटी होती है उनके जो बच्चे, जैसे हम नाना के घर नहीं जाते हैं, तो नाना के घर क्यों जाते हैं, क्योंकि वो हमारे माँ के माता पिता हैं, है ना, तो हम क्या हुए उनके बेटी के बच्चे, तो हम उनके क्या है, द्योता द्योती हैं, ठीक है, ठीक है भाई, वो हमारे द्योता द्योती। अब आपके सामने एक वर्ड आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वर्ड क्या है, वर्ड है भाई पोत्र वर्ड, क्या है, वर्ड है पोत्र वर्ड, तो एक बार बताओ सारे बच्चे, पोत्र में और पुत्र में फर्क होता है भाई, पोत्र में और पुत्र में फर्क होता है, क्या फर्क होता है, पुत्र तो मैम बेटे को बोलते हैं, पुत्र तो किसको बोलते हैं, मैम बेटे को बोलते हैं, और पोत्र वर्ड किसको बोलते हैं, पोता को बोलते हैं, हमारा जो पोता है उसको पोत्र बोलेंगे और जो हमारा बेटा है उसको पुत्र बोलेंगे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, क्लियर भाई, चीजें समझ में आ रही हैं,
ठीक है। ये हमारा पूरा ब्लड रिलेशन है, ये पूरी आपकी फैमिली है, ये क्या है, ये पूरी आपकी फैमिली। यहाँ से आपको पोतों के पास जाना है तो क्या करेंगे, दो एरो बीच में, ठीक है। ठीक है मैम, यहाँ से आपने शादी करनी है, शादी करनी है तो फिर टेढ़ा रिश्ता, शादी करके अपने जीजा साली, अपने साली के पास जाना है, साला साली के पास, तो क्या करेंगे, आपने जो ये आपकी वाइफ है ना, वाइफ के भाई बहन बना दोगे आगे जाके। क्लियर भाई, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जैसे मैंने आपके सामने बोला ए बी का साला है, ए बी का साला है, तो बी का साला कौन बनेगा, पहले बी की शादी करवाओ किसी के साथ, बी की शादी करवा दी किसी के साथ, करवा दी, यस मैम। और अब ये साला कौन होता है, ये अपनी बहू का भाई होता है, ये आपकी बहू है, ये आपकी वाइफ है, और वाइफ का भाई कौन होएगा, ए। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आई, मैंने ये चीज़ टेढ़ा रिश्ता कर रखा है और मैंने ये चीज़ सीधा रिश्ता कर रखा है, और डायग्राम सेम सीरीज में चल रहा है, मतलब सेम जनरेशन में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना सारे बच्चे, ए बी का साला है तो बी की शादी करवाओ पहले, और उसका क्या करो, उसका भाई बनाओ। क्लियर भाई, ठीक है मैम। अभी साला मैम, अभी साली के पास चलते हैं, किसके पास, साली के पास, ए बी की साली है, क्या है, ए बी की साली है, ओके। तो अभी क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, बी की शादी करवाओ पहले, शादी करवा दी, यस मैम। और अब इसकी क्या बनाओ, बहन बनाओ मैम, बहन मीन्स माइनस, बस ये माइनस सा डिफरेंस था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ओके जी, समझ में आ रहा है, बिल्कुल मैम। अभी क्या है, जीजा साली तो बहुत होगी मैम, हमें तो जीजा के पास जाना है, जीजा जी, जीजा जी से मिलते हैं भाई, चलो। ए बी का जीजा है, जीजू बोलते हो, है ना, ए बी का जीजा है, तो कैसे बनाएंगे भाई, पहले क्या करना पड़ेगा, बी का जीजा है ना, जीजा कौन होता है भाई, मैम जीजा होता है अपनी बहन का भाई, बहन का हस्बैंड, सॉरी भाई, क्या होता है जीजा, अपनी बहन का हस्बैंड, ठीक है, ठीक है मैम। तो बी का जीजा है, बी की पहले कोई बहन बनानी पड़ेगी, बी की क्या बनानी पड़ेगी, पहले कोई बहन बना दी मैम, और इसका हस्बैंड होता है मैम जीजा, तो हस्बैंड होता है तो टेढ़ा रिश्ता यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। डायग्राम देखो एक बार, सारे डायग्राम जितने भी बनाए हैं, चेंज चल रहा है ना, चेंजिंग चल रहा है ना, ठीक है भाई, सभी का चेंजिंग चल रहा है, ओके। सारे रिश्ते इकट्ठे हो गए आपके, शादी वादी भी होगी, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया है, अब मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर होती चल रही हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे चले, बस यही अगर आपको पहचान लोगे ना कि कौन सा डायग्राम कहाँ पे है, हाँ मैंने बोल दिया ए बी की पुत्र वधु है, ए बी की पुत्र वधु है, पुत्र वधु, पुत्र वधु क्या होती है, पुत्र वधु होती है मैम बेटे की बहू, क्या होती है, बेटे की वाइफ, ठीक है। तो बी की पुत्र वधु है तो पहले बी का कोई बेटा बनाना पड़ेगा, बना दो, ये बेटा बना दिया, और बेटे की बहू मीन्स ऐसे, तो डायग्राम बनेगा ऐसे, ठीक है भाई, कर लोगे, ओके, याद हो गए ना। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा भाई, बताओ एक बार इसका आंसर बताओ सारे बच्चे। ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं, यदि सी ए का पिता है परंतु बी सी की बेटी नहीं है तो बी का सी से क्या संबंध है, इसके अंदर क्या करना है, पहले आंसर बताओ, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। इसके अंदर क्या होता है, एक एक लाइन पढ़ो, जैसे अभी मैं सिंगल स्टेटमेंट दे रही थी ना, तो सेम सिंगल स्टेटमेंट पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ और अपना आगे चलो, ठीक है जी, आ रहा है समझ में, बिल्कुल मैम। तो ए तथा बी दोनों क्या हैं भाई, सी के बच्चे हैं, सी के बच्चे क्या हैं, ये सी के बच्चे, तो सी के बच्चे बना दो, बच्चे नीचे वाली पीढ़ी में आते हैं ना, दो बच्चे हैं तो मैंने इसीलिए दो एरो कर लिए, इसमें कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये और ये ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी है, मैंने दो एरो बना लिए, एक इधर वाला एक इधर, पीढ़ी वही सेम है, ये अपने वाली है, ये अपने बच्चों वाली है। ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं, ए और बी दोनों किसके बच्चे हैं भाई, सी के बच्चे हैं, यदि सी ए का पिता है, जो सी है वो ए का पिता है, तो इतनी बात आते ही कॉमन सेंस सी देख लिया करो थोड़ी सी, क्या मैम, अगर ये इसका पिता है तो ये बी का भी पिता है, ओके, परंतु बी सी की बेटी नहीं है। अब ये कह रहा है कि मैं पिता तो तेरा पर तू मेरी बेटी नहीं है,
क्यों लड़ाई हो रखी है कोई? अगर ये इसका पिता है तो ये इसका बेटा बेटी मिलेगा, और इसने बता दिया कि तू मेरी बेटी नहीं है, तो ये क्या है? तू मेरा बेटा है। क्या है? तू मेरा बेटा है। तो पूछा क्या है? बी का सी से संबंध। बी सी का क्या लगा भाई? बेटा। क्या लगा? बेटा। ओके, समझ में आ रही है चीजें? ठीक है जी। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो चुटकू सा क्वेश्चन था, अभी ये क्वेश्चन है। अभी अब बताओ, बी ए के पिता हैं तथा बी सी के पति का बेटा है, तो सी ए की क्या लगती है? बताओ भाई, बी ए का पिता है, बी ए का पिता है, ओके, बस इतनी लाइन पढ़ो, डायग्राम बनाओ। बी किसका पिता है भाई? ए का, ये प्लस, ठीक है। तथा बी सी के पति का बेटा है, बी है ना भाई, सी का कोई पति है, सी का कोई पति है, और इसका बेटा कौन है? बी है। कौन है इसका बेटा? बी। तो अब ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम, ये उसमें फिट कर दो। बी के ऊपर क्या है? प्लस। बी के ऊपर है प्लस, प्लस के टेढ़ा रिश्ता किसका है? सी का। तो टेढ़ा रिश्ता है सी का। अभी है तो सी ए की क्या लगती है? सी ए की क्या लगती है भाई, बताओ? सी ए की क्या लगेगी, जल्दी बता दो। ए का पिता है मैम, पिता का पिता दादा होता है मैम, दादा की शादी हो रखी है तो ये ऑटोमेटिकली दादी है मैम। क्या है ये? दादी है। तो सी ए की क्या लगेगी भाई? दादी। नानी नहीं लगेगी, वही गलती कर दी आप लोगों ने। नानी कैसे लगेगी भाई? नानी तो तब लगती जब यहाँ पे, यहाँ पे माइनस आता, लेकिन इसने बेटा वर्ड बोल रखा है, बी तो बेटा है, बी बेटा है, तो क्या लगेगा? दादी लगेगी। सबने गलत कर दिया, हाँ कर दिया ना। बर्ड्स विद सेम फैदर हो तुम लोग, मतलब ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सेम आंसर देते हैं सारे के सारे बच्चे। सेम आंसर, और वो भी गलत। क्या लगेगी ये? इसकी दादी लगेगी। पिता है ये, पिता के पिता दादा लगते हैं, दादा की शादी दादी के साथ होती है, नानी के साथ नहीं होती, ठीक है, समझ गए। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये बताओ भाई, इसका आंसर दो सभी बच्चे। एन एम की माँ है, बस इतना। एन एम की माँ है, तो एम की माँ बनाएंगे एन। एन माँ है ना, माँ क्या है, माँ क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी मैम। एन एम की माँ है, ठीक है। एम जो है, एम ओ की बहन है, एम ओ की बहन है, बहन भाई सीधा रिश्ता, और ये बहन है तो ये माइनस, ओके मैम। तथा पी एम का पति है, पी एम का पति, तो टेढ़ा रिश्ता, ये हो जाएगा मैम प्लस पति, ठीक है। तो पी एन का क्या लगता है बता दो, पी एन का क्या लगता है बताओ भाई। एन का पूछा है ना, एन की ये बेटी है, बेटी का हस्बैंड, अब बताओ आप लोग बेटी का हस्बैंड क्या लगता है? एन की बेटी है ये एम, बिल्कुल मैम, और बेटी का हस्बैंड क्या लगेगा मैम? दामाद लगेगा, दामाद। क्या लगेगा भाई? दामाद, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये डायग्राम जब बना लोगे ना, डायग्राम बनाते ही तो आपका 99.9% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, फिर तो आपने सीधा बताना ही है पहचान के कि वो उसका क्या लगेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बताओ भाई, और जब एग्जाम दोगे ना, एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को काम आएंगे, ये आपके बाबू सोना काम नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा पढ़ लो, सीरियस होके पढ़ लो भाई। ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा, सिर्फ इतना पढ़ो, आंसर दो। ए बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है? ए, ओके जी। बी सी की बेटी है, अभी बी बेटी है, बेटी तो माइनस है, किसकी? सी की मैम, तो सी जाएगा ऊपर, क्लियर? क्लियर मैम। सी डी का पति है, हस्बैंड वाइफ, टेढ़ा रिश्ता, किसका? डी का। कौन पति है? सी मैम, तो सी पति है, तो सी प्लस डी माइनस, ठीक है, ठीक है मैम। डी ई की माँ है, डी किसकी माँ है भाई? ई की माँ है, ओके। ई ए का क्या लगता है? ई जो है ना, ई, ये ए का क्या लगता है बताओ? ई ए का क्या लगता है? दो आंसर। ए का पूछा है ना मैम, ए की ये है माँ, ए की क्या है?
माँ, और माँ वाली पीढ़ी है मैम, माँ के भाई बहन है मैम, ये कौन है, माँ के भाई बहन है ये। तो माँ के भाई बहन क्या लगते हैं, मामा या मौसी लगते हैं, क्या लगते हैं, मामा या मौसी। अगर यहाँ पे प्लस होता ना प्लस, तो ये इसके पिता के भाई बहन बन जाते, तो आंसर चाचा बुआ आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसकी माँ थी मैम और माँ के भाई बहन है, तो क्या हो जाएगा, मामा या मौसी। ठीक है, मामा या मौसी। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये रहा भाई, इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे। बताओ आर बी का भाई है, आर जो है वो बी का भाई, बी का भाई है आर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ओके, आर है वो आई का पति है, आर जो है आई का पति, तो इसकी शादी करवा दो आई के साथ। करवा दी, करवा दी मैम, हमारी तो होती नहीं, इनकी तो करवा ही सकते हैं हम, बिल्कुल करवा दी। आई डी की माँ है, आई किसकी माँ है, डी की, तो डी आ जाएगा नीचे, आई क्या बन जाएगी, माँ, मीन्स माइनस। डी वाई का भाई है, मैं हमेशा बोलती हूँ एक एक लाइन पढ़नी है, डायग्राम बनाना है, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना, ठीक है। डी वाई का भाई है, वाई कहाँ पे है, डी भाई है ना, किसका भाई है, वाई का। ओके मैम, बी वाई का क्या लगता है, बता दो भाई, ये जो बी है ये इस वाई का क्या लगता है, बताओ। तो सुनो भाई मेरी बात सारे बच्चे, कान खोल के, क्या देखो, ये वाई का क्या है, भाई है मैम, भाई की माँ, मतलब इसकी भी माँ, ठीक है। ये भी वाई का भाई था, यस मैम, भाई की माँ, इसकी भी माँ है, माँ का पति पिता होता है मैम, तो ये पिता किसका है, ये वाई का भी पिता है मैम, और ये पिता का क्या है अभी हमें नहीं पता मैम, ये पिता का भाई है या पिता की बहन है। अगर ये मैम भाई है तो आंसर चाचा ता हुआ आएगा, अगर मैम ये बहन है तो आंसर बुआ आएगा। ओके ओके मैम, लेकिन मैम बुआ तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम लोग मैम चाचा के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, चाचा के साथ। समझ में आया भाई, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होती चल रही हैं ना, ठीक है। जहाँ पे जेंडर कंफर्म नहीं हो ना, वैसे तो इनका फ़र्ज क्या बनता था, इन्होंने ऐसे ऑप्शन देना चाहिए था कि चाचा या बुआ, क्योंकि यहाँ पे जेंडर कंफर्म है नहीं, लेकिन जहाँ पे अगर ऐसे ऑप्शन ना मिले ना, तो जौन सी चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जैसे चाचा और बुआ में से एक ही हो सकता है, बुआ है नहीं, तो आंसर चाचा लगा के आ जाना, ठीक मिलेगा। ओके जी, नेक्स्ट पे चले, बिल्कुल चलो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बताओ भाई इसका आंसर। वाई एक पुरुष है, पुरुष है ये, पुरुष महापुरुष है ना, तो पुरुष का मतलब ये कह रहा है, ये इतनी बड़ी लाइन है ना, इसको ऐसे लिख सकता था ये, ऐसे बस, इसका मतलब है कि वाई एक पुरुष है। ओके, तथा एक्स वाई का भाई है, एक्स किसका भाई है भाई, वाई का, एक्स भाई है तो प्लस हो जाएगा, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। ओके, एम एक्स की बहन है, एम एक्स की बहन है भाई, एम बहन है तो एम क्या हो जाएगी, माइनस मैम, ठीक है। एन आर का भाई है, एन आर का भाई है, अभी एन और आर तो इसमें है ही नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं, अलग से डायग्राम बना लेंगे। एन किसका भाई है भाई, आर का, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तथा आर वाई की पुत्री है, अब आ गया ना डायग्राम मैच, आर जो है वाई की पुत्री है, तो आर हो जाएगी यहाँ पे पुत्री, और आर का भाई कौन है, एन मैम, एन हो जाएगा यहाँ पे पुत्र। आप बताएं एन का एक्स क्या लगता है, एन का एक्स क्या लगता है, जिसके आगे कावर्ड हो ना, कावर्ड, वहां से देखना शुरू कर लेना, ठीक है भाई, जहां पे कावर्ड हो वहां पे करना शुरू कर लेना, ठीक है। ओके मैम, तो एन से चलना है हमें, ये एन की क्या है, बहन, बहन का पिता मतलब एन का भी पिता, ये एन का पिता है मैम, और पिता का भाई क्या होता है मैम, चाचा, क्या होता है मैम, चाचा, तो इसका आंसर भी क्या है, चाचा आएगा भाई, इसका आंसर भी चाचा। ओके ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बताओ भाई इसका आंसर।
ए व बी भाई भाई, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, दोनों भाई भाई हैं ये, मतलब दोनों क्या हैं प्लस हैं, दोनों क्या हैं भाई, दोनों क्या हैं प्लस हैं, बिल्कुल मैम। तथा सी व डी बहने बहने हैं भाई, सी और डी दोनों क्या हैं बहने बहने, तो दोनों क्या हैं माइनस मैम। यदि ए का लड़का, किसका लड़का, ए का लड़का बना दो, ए का लड़का बना दिया मैंने, ए का लड़का डी का भाई है, ये जो लड़का है ना ये किसका भाई है, डी का भाई है, और डी क्या है लड़की है मैम, और डी की बहन कौन है मैम, माइनस है सी। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अभी देखिए पूछा क्या है, बी और सी में क्या संबंध है, बी और सी में संबंध, बी और सी में, तो देखो भाई ये तीनों तो आपस में भाई बहन है ना, और ये सबका क्या है पिता, सबका क्या है पिता, तो पिता का भाई क्या होता है मैम, चाचा। क्या बात है भाई, हर क्वेश्चन का आंसर चाचा, इसका आंसर भी क्या है चाचा, ओके ठीक है जी। नेक्स्ट पे चले, बिल्कुल चलो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये, इसका आंसर दो भी, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताएंगे, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि एक अध्यापक का पुत्र फौजी है, नई टाइप है एक, थोड़ा सा सोचो और आंसर दो, एक अध्यापक का पुत्र फौजी है, ये अध्यापक है और इसका पुत्र कौन है फौजी, ये क्या है पुत्र प्लस है, ये लगाते चलना साथ के साथ निशान, एवं फौजी का पिता डॉक्टर है, इसका पिता कौन है भाई डॉक्टर, फौजी का पिता कौन है डॉक्टर, पिता है तो क्या है ये प्लस। मेरे को सारे बच्चे एक बात बताओ, सभी के सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या मैम ये जो फौजी है ना, ये फौजी ये इसका भी बेटा है, शुरू वाली लाइन में बोल रखा था, और ये इसका भी बेटा है, दोनों का बेटा है ये, तो दोनों आपस में क्या हैं बताओ भाई, दोनों आपस में मैम ये हस्बैंड वाइफ है, ये अगर इसका पिता है तो ये इसकी माँ है, तभी तो ये दोनों का बेटा है ना, बिल्कुल मैम। तो अध्यापक का फौजी से क्या संबंध है, ये जो अध्यापक है ना, ये अध्यापक ये फौजी का क्या लगता है, ये माता लगती है मैम, माता क्या हो जाएगा भाई माता, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है समझ में आ रहा है ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, आराम से सोल्व कर दोगे, बस साथ के साथ जो ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ ये निशान लगाते चलना, अगर निशान नहीं लगाओगे तो 100% कन्फ्यूजन होएगी। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताओ इसका आंसर, यदि ए सी का पुत्र है, सिर्फ इतना और डायग्राम बनाओ, ए सी का पुत्र है भाई, सी का पुत्र कौन है ए प्लस, ए सी का पुत्र है। नेक्स्ट है सी तथा क्यू आपस में बहने हैं, सी और क्यू बहने हैं, मतलब सी भी माइनस है मैम और इसकी बहन क्यू भी माइनस है, सी और क्यू आपस में बहने हैं, ओके मैम। जेड क्यू की माँ है, जेड कौन है भाई क्यू की माँ है, तो मतलब यहाँ पे क्या है माइनस है मैम, ओके। पी जेड का पुत्र है, पी कौन है भाई, पी जेड का पुत्र है, जेड का पुत्र कौन है पी प्लस, ये दोनों सेम होएंगे ना, सेम भाई बहन होएंगे ये, क्योंकि ये इसकी पुत्री थी ये इसका पुत्र है, दोनों भाई बहन है, ओके। तो ये डायग्राम आपके सामने तैयार है, इसके अंदर से अब इन में बताना, ये लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, टेंशन मत लेना, एग्जाम में देखने को भी मिलेगा, ये मत सोचना सिंगल सिंगल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखो भाई क्यू ए की दादी है, क्या क्यू ए की दादी है मैम, दादी बनने के लिए तो है ना दो पीढ़ियों से गुजरना पड़ता है, कितनी पीढ़ियों से, दो पीढ़ियों से गुजरना पड़ता है मैम, क्या यहाँ पे दो पीढ़ियाँ हैं, नो, तो आंसर क्या है ये तो गलत। पी ए का मामा है, पी ए का मामा है, देखो ए की माँ, माँ की बहन मौसी, मौसी का भाई मामा, तो क्या हो जाएगा ये पी ए का मामा है, ये स्टेटमेंट आपकी सही है भाई। आगे चेक कर लेते हैं, सी और पी बहने हैं, नो मैम पी तो भाई है, तो ये तो गलत है, पी व ए भाई है, पी व ए भाई, नो मैम भाई भाई होते तो सेम जनरेशन में आते, ये भी गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पी ए का मामा है। तो आपको डायग्राम दे के ऐसे स्टेटमेंट डाल डाल के भी पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन सी राइट है कौन सी रोंग है,
ठीक है जी, समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बताओ भाई इसका आंसर। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है मीन्स ए प्लस है, बी हो जाएगा यहाँ पे, ए बी का भाई है। सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है जो ए का पिता है। जो ये लाइन होती है ना भाई, ये लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देती है। जो और में कुछ कुछ डिफरेंस होता है, और अलग चीज़ सेंस देती है, जो अलग सेंस देता है। अगर यहाँ पे और होता ना कि सी डी की पत्नी है और, तो ये और सी के लिए आता। ये जो वर्ड आया है ना, ये पास वाले के लिए होता है, ये डी के लिए होता है, समझ गए? और आ जाए तो शुरू वाले को देखना है, जो आ जाए तो पास वाले को, ठीक है? ओके मैम, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, सी डी की पत्नी है जो ए का पिता है, तो जो किसके लिए आया है? डी के लिए आया है मैम। डी किसका पिता है मैम? ए का पिता है। ए का पिता कौन है मैम? डी है, पिता है तो पिता। और सी क्या है मैम? इसकी पत्नी है, मतलब सी क्या हो जाएगी? ए की माँ, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता? तीन सही मिलेंगे, एक गलत मिलेगा, बताओ। डी बी का पिता है, डी पिता है ना बी का? यस मैम, डी का ये भाई है, भाई का पिता हमारा पिता, ओके। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, क्या यहाँ पे जेंडर कंफर्म है? ये प्लस है या माइनस? नो मैम, नहीं कंफर्म, पुत्री भी तो हो सकती है, ये चीज़ तो मैम गलत है, इसका तो जेंडर कंफर्म है ही नहीं, ये पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकता है। सी बी की माँ है, बिल्कुल मैम, सी तो माँ है 100%, सी के आगे तो माइनस है। डी सी का पति है, यस मैम, इन दोनों की शादी हो रखी है, डी सी का पति है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी सी का पुत्र है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके जेंडर कन्फर्म नहीं है, ये पुत्र भी हो सकता है, ये पुत्री भी हो सकती है, समझ आ रहा है? ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, इसका आंसर दो। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्रवधू है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए, यह है इशारे वाले क्वेश्चन, पॉइंट आउट करके बोलेंगे किसी को भी। तो एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की कह रही है, क्या कह रही है? एक लड़की कह रही है, लड़की, एक लड़की है माइनस, लिख लेते हैं हम लड़की लिख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में रिलेशन बताना पड़ेगा ना। एक लड़की कह रही है भाई, वह मेरे पिता, इसका पिता, का अकेला पुत्र, का अकेला पुत्र की दादी, तो इसकी दादी कौन होएगी? इसके पिता की माँ। इसका पिता कौन है? ये इसकी, यहाँ पे दादी आ जाएगी, यस मैम। दादी की पुत्रवधू, तो इसकी पुत्रवधू कौन होएगी? इसका बेटा, बेटे की वाइफ, वो कौन होएगी? पुत्रवधू, ठीक है, ठीक है मैम। और ये कौन है? ये वो औरत है, इसी की तरफ इशारा करके बोला था इसने, क्या बोला था? कि ये जो औरत है ना, ये औरत, ये मेरे पिता का अकेला पुत्र की दादी की पुत्रवधू है। सीधा सीधा ये भी तो बोल सकती थी ना, ये मेरी माँ है। खामखाई घुमाते हैं ना क्वेश्चन को। औरत लड़की से कैसे संबंधित है? ये औरत इस लड़की की क्या लगती है, बताओ भाई? माँ लगती है, क्या लगेगी? माँ। अगर ये सीधा सीधा बोल देता कि वो औरत मेरी माँ है, तो हमें क्या इतना क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। भाभी दिख रही है हर जगह, भाभी नहीं दिखनी भाई, माँ। भाभी भी माँ समान होती है ना, तो भाभी नहीं आएगा, माँ माँ माँ। भाभी कैसे हो जाती? भाभी तो अगर ये यहाँ पे होती ना, यहाँ पे, तो तब भाभी बनती। अब तो ये ऊपर वाली जनरेशन में है, इसके पिता की पत्नी है ये, तो इसकी माँ है ये, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, बताओ भाई इसका आंसर। इसका आंसर दीजिए सारे के सारे बच्चे। विनीत एक औरत की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, विनीत कह रहा है भाई कि ये मेरे, किसके? विनीत के मैम, ये है विनीत, विनीत के दादा, ये मेरे दादा है ना, ये मेरे दादा, तो विनीत का दादा कौन होएगा मैम? पहले इसका पिता और फिर यहाँ पे, ये है इसका दादा। दादा का इकलौता पुत्र, तो इसका इकलौता पुत्र कौन होएगा? इसका इकलौता पुत्र ये खुद होएगा मैम, ये वाला, ये होएगा, यस यस मैम। इस पुत्र की पुत्री, तो इसकी पुत्री कौन होएगी मैम? इसकी पुत्री ये होएगी मैम, ये, तो ये क्या है? दोनों सेम जनरेशन में आगे, मतलब ये भाई बहन है, क्या है? भाई बहन। तो विनीत उस औरत का क्या लगता है? ये वही तो औरत है ना जिसके बारे में बता रहा था,
तो ये इसका क्या लगता है? भाई लगता है, क्या लगता है? भाई। ओके, समझ रहे हो? ये लग जाएगा इसका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बताओ इसका आंसर, ये करके दिखाओ, है ना। एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला कहती है कि इनकी पत्नी, एक पुरुष का परिचय करवाते हुए महिला कह रही है किसकी पत्नी? पुरुष की पत्नी। किसकी पत्नी? पुरुष की पत्नी। तो ये पुरुष है, इसकी पत्नी माइनस इनकी पत्नी मेरे पिता की, इसमें दो दो चीजें ऐड हो रही हैं भाई। पहले वाले में क्या था, अभी पहले जो दो तीन सम किए थे उसमें क्या था, खुद के साथ रिलेशन बता रहा था, हम साथ के साथ बनाते चल रहे थे। इसमें क्या है, यहाँ पे तो इसने पुरुष का रिलेशन बता दिया और आगे ये खुद का बताने लग रही है, तो हम भी दो अलग अलग डायग्राम बनाएंगे और फिर उनको अटैच कर देंगे, ठीक है। मेरे पिता, मेरे किसके? उस महिला के पिता। ये महिला है, इसका कोई पिता है, ओके। पिता की इकलौती पुत्री, क्या पागल बना रहा है एग्जामिनर। अब ये खुद ही कह सकती थी ना कि वो मैं ही हूँ, ये कह रहा है मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री तो ये महिला ही है, और ये कौन है? ये यही है, डायग्राम है, अटैच करना पड़ेगा ना, कर दें अटैच, बिल्कुल कर दो मैम। ये वो महिला है, ये वो महिला है, महिला का ये पिता था ऊपर, ठीक है भाई। तो वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, अपने हस्बैंड की तरफ इशारा कर रही है पागल, और ये पूछ रही है मेरा क्या लगता है, ठीक है, अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करके ये बोल रही है ये मेरा क्या लगता है, ये इसका क्या लगता है भाई, बता दो इसको। पति लगता है, क्या लगेगा? पति, ठीक है, समझ रहे हो। दोबारा देख लो इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें है ना दो स्टेटमेंट बनती है, दो डायग्राम बनते हैं, एक तो जहाँ पे जैसे दूसरे का रिलेशन तो यहाँ तक बता रखा था ना बस, कि इनकी पत्नी, किसकी? पुरुष की पत्नी, पुरुष की पत्नी, और क्या है ये, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मेरा कौन? वो स्त्री, वो औरत। कौन? वो महिला, महिला के पिता, महिला का पिता की इकलौती पुत्री, की इकलौती पुत्री है, महिला खुद ही हो जाएगी, और ये यही है जो यहाँ पे बैठी है, तो ये वो महिला ही है। तो ये वो महिला किसकी तरफ इशारा करके बोल रही है? अपने हस्बैंड की तरफ, ठीक है जी, समझ रहे हो। किसकी तरफ इशारा कर रही है? ये अपने हस्बैंड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन बताओ भाई, इसका आंसर दो सारे बच्चे, बताओ। अब तो आप लोगों को हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, है ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। किसी युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कह रहा है कि इनके इकलौते भाई, किसके इकलौते भाई? उस युवती के इकलौते भाई, एक युवती है, ओके, इसका इकलौता भाई प्लस, ठीक है, इनके इकलौते भाई, यहां तक तो हो गया ये डायग्राम, इसका इकलौता भाई का पुत्र, इसका पुत्र मेरी, अब यहां पे मेरी वर्ड शुरू हो गया ना, डायग्राम अलग से बनना शुरू हो जाएगा, लास्ट में यहां पे खत्म हुआ है ना, तो वहां जो लास्ट में खत्म होगा होएगा उनको अटैच करेंगे। मेरी पत्नी का भाई है, मेरी किसकी? उस पुरुष की, पुरुष की पत्नी बनाओ, करवा दी इसकी शादी, इसका भाई लेके आओ भाई, अब साले वाली वाइफ चाहिए इसको तो, ठीक है, तो ये इसका भाई बन गया। अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो चीज़ ख़त्म हो रही है और वहाँ पे जो चीज़ ख़त्म होएगी वो सेम होता है, तो वो सेम है ना, तो सेम होता है तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी बहन बनाएंगे, और बहन का पति कौन है? ये पुरुष। डायग्राम अटैच ही किया है अब तो बस। अभी क्या पूछा है इसने कि वह युवती उस पुरुष से कैसे संबंधित है, वह युवती उस पुरुष से कैसे संबंधित है, बता दो भाई ये युवती क्या लगती है इस पुरुष की? पुरुष की पत्नी, पत्नी का भाई साला, साले का पिता ससुर, ससुर की बहन, ससुर की बहन, क्या लगेगी ये? ससुर की बहन, समझ रहे हो, सासू नहीं लगेगी, सासू नहीं लगेगी भाई, सास नहीं लगेगी, सास तो तब लगती जब ये इसकी वाइफ होती, ऐसे वाला रिश्ता होता, तभी तो बोलती हूँ इन रिश्तों को देखा करो, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, इसका मतलब है भाई बहन, इसका मतलब है हस्बैंड वाइफ, तो ये वाला टेढ़ा रिश्ता थोड़ी ना बना रखा था मैंने, मैंने तो सीधा बना रखा था सीधा, ये इसकी बहन है, तो क्या हो जाएगा? ससुर की बहन, सास नहीं है ये, और बच्चे हैं ना,
बच्चे सीरियसली बता दूं, सासी करके आएंगे 90% बच्चे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। शुरू में ही ये वाला साइन चल रहा था हमारा, देखो इनके इकलौते भाई, उस युवती का भाई है ये, उस युवती का भाई है ये, तो ये इसका ससुर बन गया था, तो ससुर की बहन है ये। ठीक है जी, ओके, ठीक है, सही चल रहे हो बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो सारे बच्चे, जल्दी बताओ बताओ भाई। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम कह रहा है भाई कि यह लड़की मेरे पिता की, किसके पिता की, राम के पिता की, राम के पिता की, राम का पिता की इकलौती संतान। अभी मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, इसकी इकलौती संतान कौन होएगी, राम खुद ही होएगा ना, है ना, राम के पिता की इकलौती संतान तो राम खुद ही होएगा ना। यस मैम, मेरे पिता की इकलौती संतान, इसके पिता की इकलौती संतान की पुत्री, तो इसकी पुत्री। ओके, ये कौन है, वो लड़की, कौन है ये, वो लड़की है। फिर क्या पूछा, तो राम की पत्नी का, राम की पत्नी है भाई, इसका क्या संबंध है उस लड़की से, इस लड़की से इसका क्या संबंध है बताओ। ये लड़की का पिता था, पिता की वाइफ माँ होती है ना, क्या होती है, माँ, तो राम की पत्नी का ये जो औरत है, ये इसकी क्या लगेगी, माता, क्या लगेगी भाई, माता लगेगी, माता। ठीक है, तो आज वाली क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिए थे और कुछ हमारे बाकी हैं, तो आज हम ब्लड रिलेशन को कंप्लीट कर लेंगे, कल से फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला कहती है कि इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, बताओ भाई इसका आंसर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर दीजिए फटाफट, बताओ भाई। तो इसके अंदर क्या है, एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला कहती है, महिला बोल रही है कि इनकी पत्नी, किसकी पत्नी, पुरुष की पत्नी, ये पुरुष है, इनकी पत्नी, ठीक है जी, पुरुष की पत्नी, ओके मैम। फिर जहाँ पे ये खुद के साथ रिलेशन बताना शुरू कर देना, वहाँ से डायग्राम अलग बनाने लग जाया करो। पुरुष की पत्नी यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, आप डायग्राम अलग बनाओ कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, किसकी, महिला के, महिला है, महिला के पिता, महिला का पिता है, महिला के पिता की इकलौती पुत्री, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस बात है। कैसे, कि इसकी इकलौती पुत्री कौन होगी, महिला खुद ही होगी, जी मैम बिल्कुल। अब ये जो महिला है ना, वो डायग्राम जहाँ पे ख़त्म हुआ था और ये जहाँ पे ख़त्म हुआ है, वो चीज़ कॉमन होती है हमेशा, तो ये चीज़ और ये चीज़ ये कॉमन है, यानी यहाँ पे मैं क्या रखूँगी, महिला रखूँगी, यहाँ पे मैं महिला रखूँगी। तो इसने क्या पूछा है, वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, तो बता दो भाई सभी बच्चे, क्या लगेगा ये, इसका हस्बैंड, पति, क्या लगेगा भाई, पति लगेगा। क्लियर है ये बात, समझ में आई सभी को। जहाँ पे दूसरे का रिलेशन हो और जहाँ पे खुद के साथ रिलेशन बताने लग जाए, वहाँ पे डायग्राम को अलग अलग कर दिया करो, उसके बाद फिर अटैच कर दिया करो, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसका आंसर बताइए भाई सभी, बताओ भाई सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्या क्वेश्चन है, किसी युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो वह युवती उस पुरुष से कैसे संबंधित है, जल्दी बता दो भाई सारे बच्चे, बताओ भी फटाफट इसका आंसर क्या आएगा, कौन सबसे पहले बताएगा, देखते हैं। तो देखो भाई,
किसी युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, इनके इकलौते भाई। पहली बात तो ये सेंस समझने जरूरी है, इनके इकलौते भाई किसके, युवती के या पुरुष के, युवती के या पुरुष के। तो पुरुष तो कह रहा है ना, तो किसके इकलौते भाई, इनके मीन्स युवती के, युवती है उसका इकलौता भाई, भाई मीन्स प्लस मैम, का पुत्र, भाई का पुत्र प्लस मैम। तो ये मेरी, अब यहाँ से पुरुष का रिलेशन शुरू हो गया, तो यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ खत्म है ना, इसको यहीं पे छोड़ दो, पुरुष वाले पे चलो। मेरी पत्नी, पुरुष कह रहा है कि मेरी पत्नी, इसकी पत्नी का भाई, इसका भाई। तो ये जो आदमी है और ये जो आदमी है, ये कॉमन है, इनको अटैच करो। अब इस आदमी की बहन है, इस आदमी की बहन, बहन का पति है, बहन का पति वो कौन है, पुरुष है। इतना समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल समझ में आ रहा है मैम। अब यहाँ पे देखिए, वह युवती उस पुरुष से कैसे संबंधित है, ये जो युवती है ये इससे कैसे संबंधित है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका हो चुका था, है ना, शायद ये क्वेश्चन हो चुका था पहले, बट कोई बात नहीं। पुरुष से कैसे संबंधित है, ये पुरुष की क्या है, पत्नी, पत्नी का भाई, बीवी का भाई, क्या होता है बीवी का भाई, साला मैम, क्या होता है, साला, तो ये इसका साला है, साला का पिता, साला का पिता कौन होता है, ससुर होता है मैम, ये इसका ससुर है, ससुर की बहन, ससुर की बहन, क्या लगेगी मैम, ससुर की बहन, क्या लगेगी, ससुर की बहन। कई बच्चे इसका आंसर सास देंगे, कई बच्चे इसका आंसर सास देंगे, गलती तुम्हारी नहीं है, अभी शादी नहीं हुई अपनी, हम कैसे इन रिलेशंस को पढ़ सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये, तो ये क्वेश्चन छोड़िए, आप लोग कर लोगे। इस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन पे आ जाओ सभी बच्चे, इसका आंसर बताओ। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी लेवल अप कर देगा, थोड़ा सा भी बढ़ा देगा, तो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ग्रुप डी में भी आप लोगों ने देखा होगा, एक क्वेश्चन आया हुआ था, हर शिफ्ट में ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ था, सेम यही टाइप ली हुई थी, सेम यही टाइप उन्होंने ली हुई थी। तो देखो भाई, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, जहां पे भी आपको प्लस दिख जाएगा ना, उसका मतलब क्या है, आगे वाला पीछे वाले की माँ है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, जहां पे भी माइनस दिख जाएगा उसका मतलब क्या है, आगे वाला पीछे वाले का भाई है। ओके मैम, जहां पे परसेंटेज दिख जाएगा उसका अर्थ है ए बी का पिता है, जहां पे भी परसेंटेज दिख जाएगा वहां पे, जैसे ये दिख रहा है ना परसेंटेज, इसका मतलब क्या है, ये वाला इसका पिता है। मल्टीप्लाई दिख जाएगा तो उसका अर्थ है आगे वाला पीछे वाले की बहन है, यानी कि जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो एम पी की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन दर्शाता है कि पी क्यू का मामा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चारों के चारों बना के देखने पड़ेंगे, ये चारों डायग्राम बनाने पड़ेंगे और फिर ये बताना पड़ेगा कि भाई पी क्यू का मामा कौन से डायग्राम के हिसाब से है। समझ में आ रही है चीजें, ठीक है भाई, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे करें, आप लोग ट्राई करके देखो, बताओ एक बार किसका आता है। तो पहले वाली स्टेटमेंट उठाएंगे हम लोग, क्यू माइनस एन, माइनस माइनस आ जाए तो मैम क्या होता है, माइनस आ जाए तो ये रिलेशन बनता है कि ए बी का भाई है, मतलब क्यू एन का भाई है, क्यू एन का भाई है। नेक्स्ट प्लस एम, प्लस है ना एम, अब ये पेयर बनाओ, प्लस वाला कहाँ है, ये रहा मैम, इसका मतलब है आगे वाला पीछे वाले की माँ है, एन एम की माँ है, एन किसकी माँ है भाई, एम की माँ है। आगे वाला मल्टीप्लाई मैम, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब है आगे वाला पीछे वाले की बहन है, एम पी की बहन है। समझ में आया है डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम जो बनाया वो अभी समझ में आया सभी बच्चों को, ठीक है। अभी देखिए भाई, क्या पूछा था इसने, पी क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है। पहली बात तो हमें ये पूरा देखने की जरूरत है नहीं, एक बार सभी बच्चे मेरे को ये बताओ, जो मामा होता है, मामा वो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में आता है या नीचे वाली में, बस इतना बता दो, मामा हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में आता है या नीचे वाली पीढ़ी में। तो आप क्या बोलेंगे, मैम मामा तो ऊपर वाली पीढ़ी में आता है, तो पी क्यू का मामा कैसे हो सकता है, पी तो नीचे है,
नीचे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का गलत, फर्स्ट तो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड पे चलते हैं, क्यू माइनस एस, माइनस वो रहा भाई, ए बी का भाई है, क्यू एस का भाई है, परसेंटेज पी, परसेंटेज का मतलब है मैम ए बी का पिता है, मतलब एस पी का पिता है। अब भी क्या इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल रहा है कि पी के ऊ का मामा अब भी पी तो नीचे है, नीचे है तो ऑप्शन ये भी गलत, ओके ये भी गलत हो गया भाई, बिल्कुल हो गया मैम गलत। नेक्स्ट पे चलते हैं, पी प्लस एस प्लस ये रहा, ए बी की माँ है तो पी एस की माँ है, फिर है मल्टीप्लाई एन, तो मल्टीप्लाई का मतलब है मैम कि ए बी की बहन है, मतलब एस एन की बहन है, ओके ऐसे ही था ना, पी प्लस एस, एक सेकंड भाई एक सेकंड, इसने बोला था पी प्लस एस, पी प्लस एस का मतलब है ए बी की माँ है, पी एस की माँ है भाई, पी एस की माँ है, फिर मल्टीप्लाई एन, मल्टीप्लाई में बोला कि ए बी की बहन है यानी एस एन की बहन है, एस एन की बहन है, फिर बोला माइनस, और माइनस का मतलब है ए बी का भाई है यानी कि एन क्यू का भाई है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या पी मामा बना, इसके अकॉर्डिंग भी नहीं बना, तो ऑप्शन क्या बच गया अपने पास, डी, पेपर में तो सीधा डी ही आंसर दे देना है, अभी फिलहाल के लिए हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं, पेपर में तो हम लोगों ने तीन चेक कर लिया, ये हमारा है नहीं तो ऑटोमेटिकली डी है, चेक करो इसको, माइनस एम ए बी का भाई है, मतलब पी एम का भाई है, ओके, फिर है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ए बी की माँ है, मतलब एम एन की माँ है, ओके, क्यू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है ए बी की बहन है यानी एन क्यू की बहन है, तो क्या पूछा था, पूछा था कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है पी क्यू का मामा है, तो यही दर्शाता है, अभी देखो इन दोनों की माँ कौन है, एम, और एम का भाई कौन है पी, और माँ का भाई कौन होता है मामा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। एक बार सभी बच्चे मेरे को इतना बताओ ये टाइप समझ में आई है, क्योंकि ये टाइप अगर समझ में नहीं आई तो पेपर में तो यही आएगी भाई, पेपर में यही टाइप आएगी, आप लोगों को ये समझ में आई है, से यस मैम और नो मैम, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस टाइप के दो तीन क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, तीन चार क्वेश्चन, टेंशन मत लेना आप लोग, इसका आंसर बताओ आप सभी, बताओ भाई, आकाश और साहिल भाई है, आकाश और साहिल भाई भाई, आकाश और साहिल ये दोनों क्या हैं भाई, भाई भाई, क्या हैं दोनों, भाई भाई, बहुत बढ़िया भाई। काजल साहिल की पत्नी है, काजल किसकी पत्नी है भाई, अभी ये प्लस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, क्यों, क्योंकि आकाश नाम लड़के का ही होता है, साहिल भी लड़के का होता है, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे लगा लेंगे। काजल साहिल की पत्नी है तो काजल क्या हो जाएगी भाई, पत्नी, ओके मैम। राकेश साहिल का पिता है, राकेश कौन हो जाएगा मैम, साहिल का पिता। राकेश और पूजा विवाहित जोड़े हैं, राकेश और पूजा विवाही जोड़े हैं भाई। काजल पूजा से कैसे संबंधित है बता दो, डायग्राम आप लोगों के सामने है, डायग्राम आप लोगों के सामने है, इसका आंसर बता दीजिए कि भाई काजल जो है वो पूजा से कैसे संबंधित है, बताओ भाई। काजल का पति साहिल और साहिल की माँ है पूजा, तो पति की माँ कौन होती है, सास, और काजल क्या लगी इसकी, ये सास की, काजल क्या लगी, बहू लगी, बहू क्या लगी, बहू भाई, क्या आंसर आ जाएगा, या तो ऑप्शन में पुत्रवधु मिलता आपको, या फिर पुत्रवधु नहीं मिला तो बहू पे क्लिक करोगे, समझ आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं सभी बच्चों को, इस टाइप से आ जाए तब भी कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे, ये तो इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने ये, इसका आंसर बताओ भाई। विजया श्री रामू की पत्नी है, विजया, विजया है भाई, श्री रामू है कोई, श्री रामू है, उसकी पत्नी कौन है, विजया, ओके।
अभी विजया का बेटा है, अभी कौन है भाई, विजया का बेटा है। रीजनिंग और मैथ के अंदर कभी भी पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, कभी भी एक लाइन पढ़ो और सोल्व करो, एक लाइन पढ़ो और सोल्व करो, ठीक है। आगे है आशु रामू की बेटी है, आशु कौन है भाई, रामू की बेटी है। इसका मतलब क्या है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस। आशु तो श्री रामू की बेटी है, बेटी है ना ये, बिल्कुल मैम। और अभी विजया का बेटा है, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, एक बार मेरे को ये बताइए, क्योंकि ये दोनों तो पति पत्नी हैं, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो तो बता ही सकते हो, बताओ आशु और अभी का क्या रिलेशन है। तब तक नेक्स्ट चलते हैं, ऋषि आशु का बेटा है, ऋषि आशु का बेटा है भाई। ऋषि ईशिका से किस प्रकार संबंधित है, ये ईशिका कौन है भाई, ईशिका ईशिका ईशिका, अच्छा ईशिका अभी की बेटी है भाई, एक लाइन छोड़ दी थी हमने, ईशिका कौन है, अभी की बेटी है, ठीक है जी। और ऋषि आशु का बेटा है, ओके। तो ऋषि ईशिका से कैसे संबंधित है बताओ भाई। पहली बात तो जनरेशन सेम चल रही है, जनरेशन सेम चल रही है, ठीक है, सारे सेम जनरेशन के ही है। दूसरी बात, जो ऋषि है ईशिका से पूछा है, तो ऋषि तो लड़का है ना, ऋषि तो लड़का है, लड़का है तो बहन कट जाएगा, सिस्टर इन लॉ कट जाएगा, तो क्या आएगा, या तो भाई आएगा या तो कजन आएगा। लेकिन ये दोनों दोनों क्या हैं, ये आशु और अभी भाई बहन थे, क्या थे ये, भाई बहन। और ऋषि के ऋषि के, ये ऋषि की माँ है आशु, और माँ का भाई मामा हो जाएगा, मामा की बेटी है ईशिका, तो क्या कहलाएगी ये, कजन, क्या कहलाएगी भाई, कजन कहलाएगी, कजन। तो भाई आंसर मत देना आप लोग, वैसे तो ये भाई लगा लेकिन सगा भाई नहीं है, तो कजन आपका राइट आंसर है। सपोज करो ऑप्शन में कजन नहीं आया, सपोज करो ऑप्शन में कजन ही नहीं आया, तो आप भाई के साथ जाओगे, समझ गए। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि ये इसका कजन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, बताओ भाई। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है, वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है, कोई बात नहीं। देखो एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे, पहली बात तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक क्वेश्चन आके होगा ही नहीं। जो ये मेरे वर्ड है ना, मेरे किसके लगाऊं मैं, एक्स के लगाऊं या वाई के, आप इतना बताओ मेरे को। जो ये मेरे वर्ड आया है मेरे पिता, तो मैं किसका पिता बनाऊं, एक्स का पिता या वाई का पिता, बस ये बताओ। तो आप क्या बोलेंगे, मैम कह कौन रहा है, कह कौन रहा है, तो एक्स कह रहा है, मैम कौन कह रहा है, एक्स, तो ये एक्स का ही पिता है, एक्स का पिता, इतना क्लियर है, एक्स का पिता, ठीक है। फिर का पिता, एक और पिता, इसका पिता, ठीक है भाई। फिर की नातिन, नातिन कौन होती है पता है, नातिन कौन होती है पता है, तो बताओ भाई नातिन कौन होती है, द्योति। अभी पूछोगे मैम द्योति कौन होती है, तो द्योति होती है अपनी बेटी की बेटी, अपनी बेटी की बेटी, ठीक है, ठीक है मैम। तो ये क्या कह रहा है, वह मेरे पिता के पिता की नातिन, तो इसकी नातिन कौन बनेगी, पहले इसकी कोई बेटी बनानी पड़ेगी, बना दी, यस मैम। और उसकी बेटी बनानी पड़ेगी, यस मैम। तो इसकी बेटी बनाई, फिर इसकी बेटी बनाई, अब इसकी ये कौन है, नातिन है, नातिन का पति है, नातिन का पति कौन है, वाई। खत्म हो गया ना अपना डायग्राम, तो ये वाई की तो बात कर रहा था, यहाँ पे वाई है, पूछा है वाई एक्स से कैसे संबंधित है, बताओ भाई वाई जो है एक्स से कैसे संबंधित है, तो सीधा सीधा दिख रहा है, क्या ये दोनों सेम जनरेशन में है, मैम सेम जनरेशन में है, तो ये क्या है, आपस में भाई बहन है, कजन भी हो सकते हैं, है तो भाई बहन है, कजन भी हो सकते हैं मैम। ये एक्स की बहन लगी, क्या लगी, बहन मैम। बहन का पति कौन होता है, बहन का पति कौन होता है, तो आप क्या बोलेंगे, मैम बहन का पति होता है जीजा, कौन होता है, जीजू, जीजा जी, है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, डी, समझ में आया, जीजा यही वाला, ना तो ये इसका साला, ना ये देवर, ना ये जेठ, आंसर आ जाएगा जीजा। नेक्स्ट पे चले, ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, थोड़ा सा बड़ा है बट सोल्व करो,
क्योंकि एग्जाम में है ना आपको सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, तो अभी से अपना लेवल बनाते चलो ताकि एग्जाम में देख के कंफ्यूज ना हो। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन कर लें, आप खुश हो जाओ कि वाह हमें तो सारे क्वेश्चन आते हैं, मैम रीजनिंग की तैयारी परफेक्ट है, और एग्जाम में इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो फिर पंखा देखते रह जाओगे, या फिर जो मैडम ड्यूटी देगी मैडम का चेहरा देखोगे, ऐसा नहीं करना ना। तो आपने क्वेश्चन ही देखना है, तो अपनी तैयारी इस तरीके से कर लो कि भी अगर लेंथी क्वेश्चन भी आ जाएगा पेपर में तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक परिवार में 8 सदस्य हैं भाई, ब्रावो और प्रिया सिबलिंग है, ब्रावो और प्रिया सिबलिंग है, लगा लो फिर, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, 1 सेकेंड, ब्रावो और प्रिया, ठीक है भाई। फिर इसने बोला एंजेल काजल की पोती है, ना तो इसमें कहीं एंजेल ना इसमें कहीं काजल, तो इस लाइन को यहाँ पे स्किप करो, इस लाइन को यहाँ पे स्किप करते चलो आगे पढ़ो। काजल प्रिया की सास है, प्रिया के साथ रिलेशन आ गया ना काजल का, तो बनाओ काजल प्रिया की सास है भाई, पहले प्रिया का कोई पति बनेगा, पति की माँ बनेगी काजल, तभी तो इसकी सास बनेगी, काजल प्रिया की सास है, ठीक है। ठीक है मैम, अभी वो पीछे वाली लाइन पढ़ो जो आपने स्किप की थी, कौन सी, कि भाई एंजेल है ना मैम जो, वो काजल की पोती है, काजल का बेटा कौन है, पोती कौन होती है, बेटा की बेटी, यस मैम, काजल का बेटा कौन है, ये प्लस, और इसकी बेटी कौन होएगी, एंजेल, कौन होएगी भाई, एंजेल, ओके, ये माइनस है। यहाँ तक समझ में आया है, से यस मैम, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो दोबारा देख लो एक बार, बस यहीं तक दोबारा देखो, ब्रावो और प्रिया सहोदर हैं, सिबलिंग हैं, एंजेल जो है वो काजल की पोती है, यहाँ पे हमें रिलेशन नहीं पता था, हमने स्किप कर दिया था, नेक्स्ट लाइन पे चले थे, काजल प्रिया की सास है, तो प्रिया का पहले हस्बैंड बनाना पड़ेगा, हस्बैंड की माँ बनेगी काजल, फिर पहली लाइन पे चलते हैं हम लोग कि एंजेल जो है काजल की पोती है, तो काजल की पोती एंजेल, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट है, जीवा एक विवाहित महिला है और टीम से बड़ी है, जीवा भी नहीं है इसमें और कौन, टीम भी नहीं है, ठीक है, दोबारा देख लो, इस लाइन को भी हम स्किप करते हैं, जोन सी लाइन स्किप करेंगे ना उसके ऊपर सर्कल लगाते चलेंगे, क्या बोला इसने, जीवा एक विवाहित महिला है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, फिर बोला है और टीम से बड़ी है, कोई कनेक्शन नहीं है, टीम सैम का पुत्र है, कोई कनेक्शन नहीं है, जो ब्रावो का ब्रदर इन लो, जीजा या साला है, ठीक है भाई, ब्रावो के साथ कनेक्शन आ गया, ब्रावो का ब्रदर इन लो है, कौन, ये जो वर्ड आता है ना, जो वर्ड पास वाले के लिए आता है, तो ये जो सैम है ना, सैम, ये ब्रावो का ब्रदर इन लो है, तो ब्रावो की शादी करवाओ पहले किसी से, करवा दी, और इसका कोई भाई बना दो, ये कौन है भाई, ये है मैम सैम, कौन है ये है मैम सैम, बना दिया, ये इसका कौन बना दिया हमने, या तो ये साला हो सकता है, अगर जीजा बनेगा तो ब्रावो की पहले बहन बनानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे उसका हस्बैंड बनाना पड़ेगा, तो वो हम आगे देखेंगे साला या जीजा में से क्या फिट बैठता है। ऊपर वाली पढ़ो एक बार लाइन दोबारा, कौन से वाली, ये वाली लाइन, जो टीम है सैम का पुत्र है, टीम कौन है भाई, सैम का पुत्र है, ठीक है भाई। अभी पहले वाली लाइन पढ़ो, और टीम से बड़ी है, कौन, जीवा एक विवाहित महिला है, वो टीम से बड़ी है, कोई बात नहीं, इस लाइन को आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे चलो, स्मिथ परिवार में सबसे बड़ा पुरुष है, अभी ये जो परिवार चल रहा है ऊपर सबसे बड़ा पुरुष, या तो वो काजल का पति हो सकता है, तो काजल का पति ही लगा के चलते हैं हम लोग, क्या पता इससे भी ऊपर चला जाए, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल स्मिथ परिवार में सबसे बड़ा पुरुष है। फिर बोला है एंजेल जीवा की पुत्री नहीं है, एंजेल किसकी पुत्री नहीं है भाई, कहाँ पे गया, एंजेल जीवा की पुत्री नहीं है, अगर यहाँ पे जीवा नहीं आएगा, अगर यहाँ पे जीवा नहीं आएगा तो मैं किसको फिट कर सकती हूँ, सैम को फिट कर सकती हूँ, जो मैंने ये सैम इधर लगाया था ब्रावो, तो ब्रावो का ब्रावो की बहन प्रिया भी हो सकती है, यहाँ पे सेम आ सकता है, यहाँ पे सेम आ सकता है, बिल्कुल, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही होगी आप लोगों के माइंड में, बट टेंशन ना लेना 1% भी, डायग्राम बनते ही क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ोगे ना उसको बार बार देखोगे अपने आप से सारा कुछ समझ में आ जाएगा, समझ आ रहा है सभी को,
ठीक है भाई। ऊपर वाला हमने रिलेशन क्या दिखाया, स्मिथ काजल का हस्बैंड बना दिया हमने, यस मैम। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बनाया मैम प्रिया और ब्रावो, ये हमने स्टार्टिंग ली थी बिल्कुल, यस मैम ली थी। उसके बाद क्या हुआ था, प्रिया की शादी हमने अब लास्ट में किससे करवा दी, सैम से करवा दी, क्योंकि इसने बोल दिया था कि भाई ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, एंजल जीवा की पुत्री नहीं है, तो यहाँ पे हम जीवा को नहीं रख सकते थे, लेकिन सैम को तो रख सकते थे ना, हमने सैम के साथ शादी करवा दी प्रिया की। फिर क्या बोला, सैम और प्रिया के बच्चे कौन बन जाएंगे, अब टिम और एंजल बन जाएंगे। एंजल तो पहले ही थी, सैम भी इसी की, टिम भी इसी की बेटी बनेगी, बन जाएगी। सैम यहाँ पे टिम की सैम की बेटी थी ना, यहाँ से ख़त्म करेंगे, सैम को जब वहाँ पे ले गए तो टिम को भी वहीं लेके जाएंगे। ख़त्म करो इसको यहाँ से, कर दिया, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। उसके बाद क्या है, कौन बच गया, जीवा बच गई, और जीवा बच गया तो उसकी शादी किससे करा देंगे, ब्रावो से। बस डायग्राम ख़त्म, समझ में आया है ये डायग्राम, सभी बच्चों को समझ में आया है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मैं जानबूझ के इसलिए लेके आई थी ताकि आप लोग थोड़ा सा तो माइंड अपना करो यूज़, वरना तो देखते ही बिना पेन कॉपी के आंसर बता रहे थे आप लोग। अब इसका आंसर बताओ, इसने क्या बोला है कि ब्रावो जीवा से कैसे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा भाई, ब्रावो जीवा का पति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ब्रावो जीवा का पति, लास्ट में इसी से तो शादी करवाई थी, ब्रावो जीवा का पति। दोबारा देख ले, एक परिवार में 8 सदस्य हैं भाई, 8 सदस्य हैं, ब्रावो और प्रिया सहोदर हैं, ब्रावो और प्रिया हमने भाई बहन लिया। उसके बाद एंजल काजल की पोती है, काजल प्रिया की सास है, प्रिया की सास बनाई, प्रिया की शादी किसी से करवाई हमने, हमें नहीं पता था किससे करवानी है, उसकी फिर माँ बनाई, काजल बनी। फिर बोला था काजल प्रिया की सास है, हो गया, और जो एंजल है वो काजल की पोती है, काजल की पोती, ये जो है ना यहाँ पे, ये एंजल, ये काजल की पोती यहाँ पे दिखाई थी ना हमने। फिर बोला था टिम सैम का पुत्र है, अगर मैं वहाँ पे ब्रावो की शादी सैम से करवा देती जैसे हमने शुरू में करवाई थी, तो वहाँ पे टिम चला गया था, लेकिन इसने क्या बोला था कि भी एंजल जीवा की पुत्री नहीं है, अगर हम सैम वहाँ पे लेके जाते तो हमें एंजल यहाँ पे फिट करना पड़ता, और जो ये क्या बोलते टिम यहाँ पे फिट करना पड़ता, तो वो उसकी पुत्री नहीं रहती। ठीक है भाई, रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं भाई, टेंशन ना लो, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है और ऐसे थोड़ी ना करना है कि बस टीचर्स ने क्वेश्चन करवा दिया, बच्चों को समझ में आया नहीं, समझ आगे चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार भी पूछो, चॉइस आपकी है। ठीक है जी, जब ये समझ में आ जाए ना कि हाँ मैम अब तो समझ में आ गया, अब आगे चलो, तब ही आगे चलेंगे, क्योंकि मेरे को ये पता है कि भाई ये क्वेश्चन पेपर में आने का है, जब पीछे पेपर में आया है तो आगे क्यों नहीं आ सकता, ये आएगा 100% आएगा। नाम चेंज कर देंगे, ब्रावो की जगह सुमित कर देंगे, प्रिया की जगह रानी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। समझ में आ रही है चीज़ें, दोबारा कर लें एक बार, देखो भाई इसने बोला एक परिवार में 8 सदस्य हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना सारे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये रहा भाई, एक परिवार में 8 सदस्य है, ब्रावो और प्रिया, यहाँ पे ब्रावो है, यहाँ पे प्रिया है, ये दोनों सहोदर मीन्स भाई बहन ही है। एंजल काजल की पोती है, काजल प्रिया की सास है, प्रिया की सास कौन बनेगी, प्रिया की शादी किसी से करवानी पड़ेगी और उसकी माँ को बनाएंगे काजल। ठीक है, ठीक है मैम। उसके बाद क्या बोला, पहले वाली लाइन उठाओ दोबारा, एंजल काजल की पोती है, काजल का बेटा बनाया, यहाँ पे बनाई एंजल, इतना तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, आगे डाउट हो सकता है। देखो अब आगे, जीवा एक विवाहित महिला है, जीवा जो है अविवाहित महिला है, लड़की है ये, इसने बता दिया खुद ही, और टिम से बड़ी है, किससे बड़ी है, टिम से बड़ी, तो टिम तो नीचे जाएगी, क्लियर। टिम सैम का पुत्र है, टिम कौन है भाई, सैम का पुत्र, अभी ना तो हमें ये पता सैम कौन है, ना हमें ये पता टिम कौन है, इसको अलग से रिलेट कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पे कर देते हैं कि टिम सैम का पुत्र है भाई, ओके। जो ब्रावो का ब्रदर इन लो है, अभी जो ये सैम है ये ब्रावो का ब्रदर इन लो है, ब्रावो का ब्रदर इन लो, इसने खुद ही बोल दिया, ये साला भी हो सकता है, जीजा भी हो सकता है, साला बनेगा तो पहले इसकी कोई
वाइफ बनानी पड़ेगी, उसका भाई बनाना पड़ेगा। जीजा बनेगा तो इसकी बहन पहले से है, इसी का हस्बैंड बना देते हैं सैम को, तो बना दो भाई इसी का हस्बैंड सैम को। हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने यहाँ पे सैम को फिट कर दिया। जीजा भी तो बोल रखा है ना इसने, यहाँ पे क्या कर दिया सैम को फिट, और सैम का पुत्र कौन है, टिम भी है। ठीक है, ठीक है मैम। फिर इसने क्या बोला कि भाई स्मिथ परिवार में सबसे बड़ा पुरुष है, स्मिथ तो परिवार में सबसे बड़ा पुरुष काजल का हस्बैंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मैम, स्मिथ आ जाएगा। एंजल जीवा की पुत्री नहीं है, एंजल जीवा की पुत्री नहीं है, तो जीवा कहाँ जाएगा, जीवा इसका, इसकी वाइफ बनेगी, विवाहित महिला कह रखा है इसने, विवाहित है तो ब्रावो ही बचा है, यहाँ पे अकेला इकलौता, इसकी शादी भी करवा दो, करवा दी बस। फिर अब क्या पूछा है कि भाई ब्रावो जीवा से कैसे संबंधित है, ब्रावो अकेला बचा था, जीवा के बारे में इसने बोल रखा था कि जीवा एक विवाहित महिला है, तो किसकी शादी करवा दी, ब्रावो की शादी जीवा के साथ। ठीक है जी, तो चीज़ें अब तो क्लियर हैं, दोनों आपस में क्या हैं, हस्बैंड वाइफ। ठीक है जी, दोनों आपस में क्या हैं, हस्बैंड वाइफ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ एक बार सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा भाई, ये करो अब। पंकज राजेश और सपना का बेटा है, ये है भाई राजेश, और इसकी वाइफ है भाई सपना, और इनका बच्चा है भाई पंकज। ठीक है जी, नेक्स्ट बोला जबकि दीपा शीला जो प्रकाश और सपना की माँ है, ये शीला के बारे में है, ये चीज़ें शीला के बारे में है भाई, कि शीला कौन है, प्रकाश और सपना की माँ है, प्रकाश और सपना की माँ, सपना की माँ तो चल हमने शीला बना दी, प्रकाश कौन है, प्रकाश इसका भाई होएगा तभी तो इन दोनों की माँ है ये, बिल्कुल मैम। फिर अभी नेक्स्ट पहले वाली लाइन दोबारा पढ़ो कि जबकि दीपा जो है वो शीला की एकमात्र पोती है, बीच में है ना, कई बार वो नहीं दे देते हैं कोई इंसान जैसे राम, फिर बीच में ऐसे बना देंगे जो श्याम का भाई है, ठीक है, का भाई राहुल है। तो इस लाइन से आप क्या समझते हो, इस लाइन से ये समझते हो जो ब्रैकेट वाली बात होती है ना वो इसके बारे में होती है कि राम जो श्याम का भाई है, श्याम का भाई तो राम है ही, और इसका भाई फिर कौन है, राहुल है, इसका भाई कौन है, राहुल है। तो राम के बारे में दो दो चीज़ें होती है, राम का रिलेशन इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में चला है कि भाई जो दीपा है ना, दीपा पहले शीला के बारे में बता दिया कि शीला कौन है, वो प्रकाश और सपना की माँ है, और जबकि दीपा शीला की एकमात्र पोती है, तो शीला की एकमात्र पोती कौन जाएगी भाई, शीला का बेटा कौन है, प्रकाश, ये तो बेटी है, लेकिन पोती और नातिन दोनों बोल रखा है, तो लगा लो भाई क्या कर सकते हैं हम, शीला जो प्रकाश और सपना की माँ है की एकमात्र पोती है दीपा, यहाँ पे हमने लगा ली दीपा। ओके जी, यदि प्रकाश अविवाहित है तो वही बात क्लियर होगी ना, अब आप कहोगे मैम अपने पोती क्यों नहीं माना, द्योति क्यों माना, क्योंकि ये प्रकाश तो अविवाहित है भाई, प्रकाश की तो शादी ही नहीं हो रखी, तो इसी की बेटी माननी पड़ेगी दीपा। और राजेश की पत्नी का भाई है कौन, प्रकाश, कौन, प्रकाश राजेश की पत्नी का भाई है, बिल्कुल है, राजेश की पत्नी सपना, सपना का भाई प्रकाश। तो पंकज दीपा से कैसे संबंधित है, अब आंसर दोगे आप लोग, बताओ, डायग्राम मैंने बना दिया, इतनी हेल्प मैंने कर दी, आंसर दोगे अब आप लोग, बताओ भाई पंकज दीपा से कैसे संबंधित है, तो क्या बता देंगे मैम, पंकज दीपा का भाई है, भाई, समझ आ रहा है, आज क्वेश्चन आ रहे हैं ना अच्छे लेवल वाले, अब तक तो फीका फीका खा रहे थे आप लोग, बोल रहे थे मैम क्वेश्चन इजी है, हम तो यूँ चुटकियों में कर लेते हैं, अब करो। ठीक है जी, तो ये मेरे हिसाब से तो सबको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा था भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये करो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे के सारे बच्चे, बताओ किटी रमन की पत्नी है, ये है भाई रमन, रमन की पत्नी है भाई किटी, फिर है देव किटी का इकलौता भाई है, देव कीटी का इकलौता भाई है, यदि डॉली कीटी की बेटी है, डॉली कीटी की बेटी है, तो देव डॉली से कैसे संबंधित है, बता दीजिए सारे बच्चे, देव डॉली से कैसे संबंधित है, जल्दी बताओ भाई,
ये सेशन आप लोगों का रोज़ चलेगा जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, लेकिन बशर्ते आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए भाई। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो फिर हम भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर क्लास नहीं आएगी, है ना। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, थोड़ा सा सपोर्ट करो, तभी तो फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के सामने। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा मैम कि देव डोली से कैसे संबंधित है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ से मामा काट के मैंने यहाँ पे मैटरनल अंकल कर दिया, मैंने मामा को कट कर दिया। आप सबने आंसर दे दिया इसका तो कि मैम ये तो इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। इट्सी बिट्सी, इट्सी बिट्सी एडियम सुना आप लोगों ने? इट्सी बिट्सी, इट्सी बिट्सी एडियम का मतलब होता है लल्लू पंजू सा क्वेश्चन, छुटकू सा क्वेश्चन, इट्सी बिट्सी। याद रखना, पेपर में आता है कई बार ये इडियम इट्सी बिट्सी। तो देखो ये इसका इसका क्या बन जाएगा, मामा। लेकिन मैम मामा तो ऑप्शन में नहीं है, मामा नहीं है तो मैटरनल अंकल मामा को ही बोलते हैं भाई, और पैटरनल अंकल चाचा ताऊ को बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, मैटरनल माँ वाले और पैटरनल चाचा पापा वाले। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सभी को? मामा ऑप्शन में नहीं है तो मैटरनल बना देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलें क्या? लो भाई कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद फिर छोटा सा क्वेश्चन दूंगी, पहले ये बताओ। एक बड़ा क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन, एक में थोड़ा दिमाग लगे, एक में थोड़ा पेन चले। बताओ फिर इस क्वेश्चन का आंसर। पामीला अकुन जिसकी शादी निकिता से हुई है, वही वाला जो पीछे मैंने अभी बताया था ना कि कई बार ऐसी ऐसी स्टेटमेंट होती हैं, कंफ्यूज मत होना। पामीला के बारे में बता रखा है पहले तो, पामीला का रिलेशन अकुन के साथ मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन इसने पहले अकुन का ही रिलेशन बता दिया कि अकुन जिसकी शादी निकिता से हुई है, ये चीज़ तो है अकुन के बारे में। और फिर पामीला का क्या जिक्र है कि पामीला अकुन की पोती या नातिन है। समझ रहे हो, समझ आ रहा है ये? ठीक है भाई, कर लोगे इस टाइप से ये लाइन? अगर ये लाइन भी समझ में नहीं आएगी तो आगे नहीं चलोगे। करें, करो मैम। पामी अकुन की शादी करवा दो भाई पहले तो निकिता से, इसको बड़ी जल्दी है। अकुन की शादी करवाओ निकिता से, अकुन की शादी निकिता से। फिर पामीला का क्या रिलेशन था? पामीला अकुन की पोती है, अकुन की पोती। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं इसको, अकुन की शादी निकिता से करवा के इनको ऊपर भेज देते हैं शिमला मनाली घूमने। अकुन की शादी निकिता से और पामीला इसकी पोती है, तो पोती कैसे होएगी इसका? पहले कोई पोती और नातिन दोनों चीज़ें बोल रखी हैं तो दोनों चीज़ें मान के चलेंगे, या तो यहाँ पे प्लस हो सकता है या यहाँ पे माइनस, और फिर इसकी पोती कौन है? पामीला। ठीक है भाई, तो ये इसकी पोती भी हो सकती है, ये इसकी नातिन भी, मतलब दोती भी हो सकती है। इसका आंसर दो ना, बहुत टाइम दे रखा है मैंने तो। बताओ भाई, ठीक है देखो। मुरली अकुन जिसकी दो बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है, ये बात भी अकुन के बारे में आपको पता हो तो। रिलेशन मुरली का दिखा दिया लेकिन पहले अकुन को डेफिनेट कर दिया कि भी अकुन जिसकी दो बेटियां हैं, एक तो बेटी यहाँ पे होगी भाई अकुन की, ये कह रहा है एक और बेटी है भाई इसकी, और इसका कोई बेटा नहीं है। तो फिर वही बात, हमने यहाँ पे प्लस माइनस माना था ना भाई, उस चीज़ को करो ख़त्म, प्लस को कर दो ख़त्म। ये इसकी बेटी ही है, क्या है ये इसकी बेटी ही है। हमने दोनों चीज़ें मान के चली थी क्योंकि पोती और नातिन दो वर्ड थे, लेकिन इसने आगे खुद ही क्लैरिफाई कर दिया कि इसका तो कोई बेटा है ही नहीं। इतना क्लियर है, अब इसकी दो बेटियां हैं भाई। मुरली अकुन का जीजा या साला है, मुरली अकुन का जीजा या साला है। तो पहले हम साला मान के चलते हैं क्योंकि अकुन की वाइफ है हमारे पास, अकुन की वाइफ है तो इसका भाई बना देते हैं हम किसको? मुरली को। ये मुरली अब अकुन का साला हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है? अकुन की वाइफ बना दी निकिता, और निकिता का भाई कौन बना दिया? मुरली। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल कमल का चचेरा ममेरा मौसेरा फोफेरा भाई है, ये सिंपल सा कजन भी तो बोल सकता था ना, पता नहीं क्या दिक्कत है एग्जामिनर को। राहुल कमल का कजन है भाई, लेकिन यहाँ पे तो राहुल और कमल कोई नहीं है हमारे पास, इस लाइन को स्किप करते हैं हम लोग।
इस लाइन को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास अभी राहुल आया है और ना हमारे पास कमल आया है। तो देखो भाई, राहुल जो है वो कमल का चचेरा ममेरा मोसेरा फुफेरा भाई है और पमीला का भाई है। ये राहुल का ही जिक्र हो गया, ये पमीला का भी भाई है भाई। राहुल पमीला का तो भाई है, पमीला का तो ये भाई है और चचेरा मोसेरा फुफेरा भाई है किसका, कमल का। तो थोड़ा सा माइंड लगा के देखो, ये दोनों तो सगे भाई बहन हैं, लेकिन राहुल का चचेरा मोसेरा जो, ये इसकी मासी है राहुल की, ये राहुल की माँ, यस मैम, और ये दो बहनें थी आपस में, तो ये इसकी मासी, क्या पता इसका बच्चा हो, कौन कौन, कमल है ना, तभी तो इसका मोसेरा भाई भी तो बन सकता है ना, मोसेरा वर्ड भी तो आया हुआ है। राहुल का मोसेरा भाई कौन है, कमल, और राहुल किसका भाई है, पमीला का, तो ये इसका मोसेरा भाई बना कि नहीं बना। एक एक लाइन पढ़ो और सोल्व करो, एक एक लाइन पढ़नी है और सोल्व करना है। देखो भाई, उदय और विनमय लगा लो इसको, उदय और विनमय निकिता के दामाद है। दामाद कौन होता है भाई, मैम दामाद तो अपनी बेटी के हस्बैंड होते हैं। दामाद कौन होता है, मैम अपनी बेटी के हस्बैंड होते हैं। तो इसने बोला है कि उदय और विनमय निकिता के दामाद है। निकिता है येरी, निकिता की दो बेटियां हैं येरी, इनके हस्बैंड कौन है, इनके हस्बैंड उदय और विनमय है। मैम अभी मेरे को नहीं पता मैम, उदय इसका हस्बैंड है या उदय इसका हस्बैंड है, हमें नहीं पता। ऐसे ही विनमय इसका हस्बैंड है या विनमय इसका हस्बैंड है, हमें नहीं पता। फिलहाल हमें दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेगी, आगे जब ख़त्म हो जाएगा ना वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब इनको कट कर देंगे। फिलहाल के लिए ये दो बेटियाँ थी, निकिता के दामाद बनाने हैं दोनों, तो ये इस वाली हस्बैंड के भी, इसके भी हस्बैंड हो सकता है, उदय और विनमय में से एक, ऐसे ही इसका हस्बैंड भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। विनमय की शादी यामिनी से हुई है। अभी भाई अगर मैं विनमय को यहाँ मान लूंगी तो यामिनी यहाँ आएगी, अगर मैं विनमय को यहाँ मानूंगी तो यामिनी यहाँ आएगी। इस लाइन को स्किप करो, वन सेकंड के लिए इसको स्किप करो, हमें नहीं पता, आगे देखेंगे इसको। और उसकी दो बेटियां और एक बेटा है, जो विनमय है ना, विनमय जहां पे भी हम मानेंगे उसकी दो बेटियां मानेंगे और एक बेटा मानेंगे, ठीक है। उदय के एक बेटा और एक बेटी है, उदय के एक बेटा और एक बेटी है। एक बार सारे बच्चे इधर ध्यान दो मेरे, यहाँ पे बेटी और यहाँ पे बेटा, एक बेटा और एक बेटी है ना, यस मैम। इसने क्या रखा है कि उदय के तो एक बेटा और एक बेटी है। सपोज करो हमने उदय को यही मान लिया, क्या मान लिया भाई, हमने तो उदय को यही मान लिया, ये हो जाएगा हमारा उदय, इसी के बच्चे बना दिए हम दोनों ने, ये हो जाएगा हमारा विनमय, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विनमय, यस मैम। और विनमय की शादी किससे हो रखी है, विनमय की शादी हो रखी है मैम यामिनी से, यहाँ पे हो जाएगी हमारी यामिनी, यहाँ पे हो जाएगी मैम हमारी यामिनी। एक तो भाई सिंपल बोर्ड हो ना तब मजा आता है, जितना मिटाओ उतना मिटा लो। यहाँ पे हमने माना विनमय, विनमय की शादी करवाई यामिनी से, ओके मैम। और यामिनी की एक और बहन है यहाँ पे, कौन है ये हमें नहीं पता, इसकी शादी हो रखी है उदय से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विनमय की दो बेटियाँ और एक बेटा है, एक बेटा कमल तो आ चुका हमारे पास, दो बेटियाँ और है, वो कौन है वो पता नहीं, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है उदय का एक बेटा और बेटी है, क्लियर। टीना और स्मिता यामिनी की बेटियां हैं, यामिनी यहाँ पे थी, इसकी बेटियां कौन है, टीना और स्मिता, टीना और स्मिता। नेक्स्ट मुरली अविवाहित है, मुरली की शादी नहीं हो रखी किसी के साथ। यामिनी राहुल से कैसे संबंधित है, पहली बात तो ये, क्या यामिनी राहुल से एक पीढ़ी ऊपर है ना, यस मैम एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है, तो पुत्री कैंसल मैम, बहन कैंसल मैम, मानसूर आएगा इसमें से, तो इसमें से आएगा मैम राहुल की माँ तो यामिनी है नहीं, माँ तो यहाँ पे है माइनस, माँ का तो पता ही नहीं चला माँ कौन है, लेकिन यहाँ पे यामिनी कौन बन जाएगी, मौसी। एक बार के लिए सभी बच्चे कमेंट करके सिर्फ इतना बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया, फिर दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये तीन चार क्वेश्चन जो मैं आज लेके आई हूँ ना, जानबूझ के लेके आई हूँ, क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर वहां पे मिल गए फिर आप पीछे से बोलोगे मैम आपने तो करवाए नहीं, फिर उलाना देते फिरोगे तुम लोग, है ना, कि मैम ने तो करवाए नहीं, तो वो बोलते हैं ना भी उलाना नहीं उठेंगे, क्वेश्चन करवा देंगे हम लोग। तो एक बार ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी बताओ।
आ गया मैम, आ गया जी। बताओ फटाफट बताओ सारे बच्चे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर चाहोगे मैम एक बार और कर लें तो एक बार और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, भावी टीचर हो आप लोग भी। आप लोगों को तो और भी ऐसे होना चाहिए मैम, क्वेश्चन ऐसा लेके आओ पूरा बोर्ड कवर हो जाए, हम तो वो भी सोल्व कर देंगे। ऐसा होना चाहिए कि मैम प्रॉब्लम्स ज़्यादा लेके आओ, ताकि अभी क्लियर कर लेंगे तो पेपर में दिक्कत नहीं होएगी। आ गया ना? ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं आ गया मैम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड के लिए दोबारा देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कलर चेंज हो जा भाई, जादू मंत्र हो गया चेंज। यहाँ पे देखिए भाई, पामिला देखो भाई, पामिला अकुन जिसकी शादी निकिता से हुई है, पहले हमने अकुन की शादी करवाई निकिता से, ओके। फिर बोल रहा है कि पामिना अकुन की पोती है, अकुन की पोती, पहले हमने क्या किया, अकुन का कोई बेटा बनाया भाई। अभी बेटा तो इसने है नहीं, आगे बोल रखा है इसने खुद ने, कहाँ से बोला था ये रहा, लेकिन अकुन का कोई बेटा नहीं है भाई। तो अकुन की बेटी बनाई हमने, या मिनी बना लेंगे या कोई और लड़की बना लेंगे, तो उसकी बेटी क्या बन जाएगी, नातिन बन जाएगी, उसकी नातिन बन गई भाई पामिला, ठीक है मैम। उसके बाद राहुल कमल का मौसेरा फुफेरा भाई है, तो राहुल कमल का भाई, राहुल की मौसी का बच्चा बना देंगे कमल को, यहाँ पे आ जाएगा कमल, मिट गया ये सारा, यहाँ पे आ जाएगा कमल। फिर इसने बोला कि भाई पमिला का भाई है राहुल का, राहुल किसका भाई है, पमिला का। उसके बाद है उदय और विनमय निकिता के दामाद हैं, निकिता की दो बेटियां हैं, एक तो यहाँ पे है ये रिमाइनस और एक है यहाँ पे यामिनी, तो इन दोनों के हस्बैंड कौन हो जाएंगे, विनमय और उदय हो जाएंगे। फिर आगे है, विनमय की शादी यामिनी से हुई है, विनमय की शादी हम किससे करवा देंगे, यामिनी, यहाँ पे लड़की कौन आ जाएगी, यामिनी। और उनकी दो बेटियाँ और एक बेटा है, इनकी दो बेटियाँ बना दी टीना और स्मिता, एक बेटा बना दिया कमल। फिर है उदय का एक बेटा और एक बेटी है, उदय के बेटा बेटी हमारे पास पहले ही आ चुके थे, पमिला और राहुल। टीना और स्मिता यामिनी की बेटियाँ हैं, यामिनी की दो बेटियाँ आ चुकी थी ना यहाँ पे, टीना और स्मिता। फिर है मुरली अविवाहित है, तो यामिनी राहुल से कैसे संबंधित है, ओके जी। आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? चलो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। लो भाई पहला क्वेश्चन देख के सांसें अटक गई थी ना, आप थोड़ा सा सांस ले लो, बताओ इसका आंसर, थोड़ा सा सांस ले लो सारे बच्चे। राम मेरे माता की पोती का पति है, बिल्कुल भाई ऐप पे क्लास होएगी, कोई टेंशन नहीं है, ऐप पे तो डेली होती, क्या दिक्कत है। राम मेरे माता की पोती का पति है, तो मैं राम का, राम मेरे, मेरे अब मैं क्या पता, ये जो मेरे वर्ड है, ये लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, हमें कुछ नहीं पता ना, नहीं पता। लेकिन इस बात को समझो थोड़ा, का यहाँ पे है ना, अगर की और, ये वैसे है भाई रियल में की है, का और की दोनों है लास्ट में, तो एक बार देखो यहाँ पे हमें नहीं पता मैम यहाँ पे प्लस है या माइनस है, ये जो मेरे वर्ड है ना मेरे, लड़का बोल रहा है लड़की बोल रही है, हमें कुछ नहीं पता, दोनों को मान के चलते हैं। मेरे माता, इसकी माता बनाओ, बना दी। की पोती, इसकी माता की पोती कौन होएगी, इसकी पोती मैम इसका बेटा है और उसकी बेटी होएगी। का पति, इसका पति मैम, ठीक है, ये कौन है, ये राम है भाई, ये राम। फिर इसने बोला तो मैं राम का, यहाँ पे आपने जो माना था ये आप राम के क्या लगते हैं, तो राम की वाइफ है, यस मैम। वाइफ के अगर आप पिता हो तो आप ससुर लगोगे, वाइफ के आप माता हो तो आप सास लगोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए या बी, या तो आप ससुर हो या तो आप सास हो, समझ आ रहा है, ठीक है भाई, या तो आप ससुर हो या तो आप सास हो, क्योंकि शुरू में इसने मेरे वर्ड बोल दिया था, अभी हमें जेंडर कंफर्म नहीं है, ये मेरा वर्ड लड़के के लिए है या लड़की के लिए है, बताओ भाई। अब है ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, टाइम होने वाला है, ये सारे कवर करने हैं आज, कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सुधा की सास का एकमात्र पुत्र सुरेश है, ये सुधा है, सुधा की सास कौन होएगी, इसका पति होएगा, पति की माँ होएगी,
का एकमात्र पुत्र, का एकमात्र पुत्र इसका पति खुद होएगा, कौन है ये? सुरेश है ये। बस फिर सुरेश सुधा का क्या, बता दो, बताओ इसका आंसर जल्दी। पिछले का आंसर ससुर नहीं आएगा भाई, क्योंकि वहां पे कंफर्म नहीं था ना शुरू में, वो प्लस है या माइनस है, वो चीज कंफर्म नहीं थी। तो अगर प्लस कंफर्म होता तो आप ससुर बोलते। देखो भाई दोबारा देख लो, सुधा की सास इसके हस्बैंड की माँ, का एकमात्र पुत्र इसका हस्बैंड खुद, तो ये सुरेश सुधा का क्या लगा भाई, पति लगा। क्या लगा? पति इसका राइट आंसर है। ओके जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताना भाई सभी बच्चे, बताओ एक बार। काउंटिंग चेक करते हैं आज आप लोगों की, कितनी गिनती आती है आप लोगों को, कहाँ तक आती है बताओ, जल्दी बताओ। दिनेश जी मैंने अभी बताया था लास्ट में जो वो का लिख रखा था ना, वो मिस प्रिंट था, वो का और की दोनों थे, ऐसे मैंने लिख के बताया था, का और की दोनों है भाई वहाँ पे, का और की दोनों है वहाँ पे। अभी देख लो, एक परिवार में एक व्यक्ति है भाई, एक व्यक्ति मीन्स प्लस है, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है, उनके चार पुत्र, कितने पुत्र, चार बच्चे हैं, चार बच्चे बनाओ भाई, एक पुत्र, दो पुत्र, तीन पुत्र और चार पुत्र, ये पुत्र, ये पुत्र, ये पुत्र और ये पुत्र। फिर बोलना उनकी पत्नियां हैं भाई, चारों की शादी हो रखी है, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी। फिर बोला प्रत्येक पुत्र के परिवार में तीन तीन बच्चे हैं, हर किसी ने तीन तीन बच्चे, अभी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्यों नहीं बढ़ेगी भाई, इन्हीं का तो पूरा पूरा योगदान है ना इंडिया को फर्स्ट नंबर पे लाने में, ठीक है। तो इसने बोला है कि परिवार में प्रत्येक पुत्र के तीन तीन बच्चे हैं, तीन इसने जाम दिए भाई, तीन पुत्र, तीन इसके हैं, तीन बच्चे हैं ना, ये नहीं पता पुत्र हैं, ये ऐसा मत करो आप लोग, हाँ ऐसा, तीन बच्चे हैं भाई, एक यहाँ पे, 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 बता दो भाई परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, बताओ सारे बच्चे जल्दी से। तो आंसर आ जाएगा मैम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। आंसर क्या आ जाएगा भाई 22, समझ में आया, ठीक है। ये चार थे ना, तो चार थी ये 12, 12 तो यही हो गया मैम, ओके। ये तीन थे ना, ये भी चार थे ना, तो चार दूनी 8, 8 ये हो गए मैम 20, और दो ये हो गए मैम 22। क्या आंसर आ जाएगा 22, आ गया ना सबको समझ में, वेरी गुड भाई। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए बस आप लोगों के सामने, फिर तो बल्ले बल्ले है ना। ये बताओ भाई इसका आंसर दो, वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया ना, मैंने बोला था कि मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपकी अच्छी खासी, क्योंकि मेरे को सिक्स सेंस आ रही है, क्वेश्चन आएगा पेपर में, थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आ रही है। तो देखो भाई, पी प्लस क्यू स्टार आर परसेंटेज एस, ये आपके पास स्टेटमेंट है, और इसने बोला है कि भाई क्यू एस से कैसे संबंधित है। तो पहले पेयर बनाना है इसका, प्लस जहां पे आ जाए उसका मतलब है ए बी का पिता है, मतलब पी क्यू का पिता है भाई, ओके मैम। स्टार आ जाए, स्टार का मतलब क्या है, स्टार 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 ढूंढो, कहां गया स्टार, वो रहा। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है, क्यू आर का भाई है भाई, क्यू आर का भाई है। फिर है परसेंटेज, परसेंटेज कहां है, ये रहा, ए बी की बहन है, मतलब आर एस की बहन है। तो बता दो भाई आंसर, बताओ क्यू एस से कैसे संबंधित है, जल्दी बताओ भाई इसका आंसर दो। बिल्कुल भाई, ये टाइप ग्रुप डी में आई थी, तो आप वाले पेपर में भी आएगी, 100% आएगी, तो इसका आंसर दो। डायग्राम आप लोगों के सामने, ये पूछा है क्यू एस से कैसे संबंधित है, तो क्यू एस का क्या लगता है भाई, मैम भाई लगता है, भाई क्या लगेगा, भाई। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे हो जाता कि क्यू एस की जगह एस क्यू हो जाता, तो क्यू एस की जगह एस क्यू हो जाता, तो क्या आंसर देते आप, भाई बोलते या बहन बोलते, तो आप क्या कहेंगे मैम, तब भाई और बहन में से हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि एस का कंफर्म जेंडर हमारे पास नहीं है, तब आंसर आता भाई या बहन,
तब हम भाई या बहन में आंसर देते, लेकिन क्यों का पूछा इसने, क्यों का तो जेंडर कंफर्म था प्लस, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया प्लस। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई ये रहा। बताओ इसका आंसर। इसने बोल दिया कि निम्न पूरे सारी स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, उल्टा दे दिया आपकी बार। पहले तो क्या करते थे, एक समीकरण हमें देते थे, हमसे रिश्ता पूछ लेते थे। इन्होंने क्या कर दिया भाई, रिश्ता तो मैं ही बता दूंगा आप लोगों को, रिश्ता तो मैं ही बता दूंगा, आप मेरे को समीकरण बता दो कौन सी में फिट होएगा ये रिश्ता। ए को डी का पोता दिखाना है, ए को डी का पोता दिखाना है। थोड़ा सा माइंड को सोचो एक बार, डी का पोता दिखाना है भाई ए को। तो एक बार मेरे को सारे बच्चे ये बताओ सिर्फ कि ए लड़का होएगा या लड़की, इतना बताओ कि जो ए है वो लड़का मिलेगा या लड़की, इस लाइन के अकॉर्डिंग ए लड़का मिलेगा या लड़की। तो मैम जाहिर सी बात है पोता है तो लड़का मिलेगा, ए क्या मिलेगा लड़का। ए को हमने प्लस शो करना है, क्या करना है ए को हमने प्लस शो करना है, इतनी बात को ध्यान रखना, क्या करना है ए को प्लस शो। ठीक है, ठीक है, अभी ऑप्शंस पे चलते हैं। देखो ए कहाँ पे है ये रहा, ए कहाँ पे है ये रहा, ए कहाँ पे है ये रहा, ए कहाँ पे है ये रहा। ठीक है, ए को प्लस शो करना है। पहले वाले के अकॉर्डिंग सी फाइव ए, फाइव का मतलब होता है मैम क्यू पी का पुत्र है, मतलब क्यू, देखो पी आगे था क्यू पीछे था, इसने क्यू आगे कर दिया पी पीछे कर दिया, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कहीं आप पी को क्यू का पुत्र बना दो, इसमें क्यू पी का पुत्र है भाई। ओके, यानी पीछे वाला आगे वाले का पुत्र है, यानी ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है। तो ठीक है भाई, ए तो हमारा प्लस शो हो गया, ये क्वेश्चन हमारा आंसर हो सकता है, इसके अंदर हमारा जो ए है वो प्लस शो हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हो सकता है भाई। ऐसे ही सी फाइव ए इसके अंदर भी दे रखा है, ये भी हो सकता है, दो ऑप्शन तो हो सकते हैं बिल्कुल। ठीक है मैम, इनको चेक करते हैं, सी थ्री ए वाले को, किसको करते हैं सी थ्री ए वाले को। थ्री कहाँ पे है, थ्री 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 है भाई, ये रहा पीछे वाला आगे वाले का पुत्री है, ए सी की पुत्री है, वही बात होगी यहाँ पे, तो पुत्री होगी ये, पुत्री होगी तो ये माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी ए सी की पुत्री है भाई, सी की पुत्री है ए, तो ये तो माइनस होगी, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो सी थ्री ए सेम है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, टाइम बचाना और कुछ भी नहीं करना, दो ऑप्शन हमारे सामने एलिमिनेट हो चुके हैं, बी और डी को तो देखना ही नहीं है। अब हमने क्या करना है, ए और सी हमारे पास बचते हैं, ए और सी, इनमें से हम एक चेक कर लेंगे, अगर वो सही मिला तो वो सही आंसर है, अगर वो गलत मिला तो ऑटोमेटिकली जो बच गया वो सही है। तो इससे क्या हुआ, चार ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन चेक करना पड़ा हमें, तो टाइम बचाना है भाई, क्या करना है टाइम बचाना है। इसको मैच करो बी नाइन डी, बी नाइन डी, तो नाइन कहाँ पे आया हुआ है, नाइन ये रहा, इसका मतलब आगे वाला पीछे वाले का भाई है, बी डी का भाई है। फिर डी फाइव सी, फाइव कहाँ पे है ये रहा, पीछे वाला आगे वाले का पुत्र है, सी डी का पुत्र है भाई। ओके, फिर है दोबारा फाइव, दोबारा फाइव का मतलब है पीछे वाला आगे वाले का पुत्र है, ए सी का पुत्र है भाई। तो यहाँ पे बताइए ए को डी का पोता, क्या ये हमारा सही है आंसर देने लग रहे हैं सारे बच्चे सी, और क्यों देने लग रहे हैं मेरे को ये भी पता है, इसलिए हंसी आ रही है, लेकिन आपका गलत हो जाएगा, सी तो गलत है भाई, ठीक तो आ रहा है, इसने पूछा था ए को डी का पोता, ए को डी का पोता, वो क्वेश्चन कुछ और था जो पहले कर रखा है हम लोगों ने, वो क्वेश्चन कुछ और था, ये क्वेश्चन कुछ और है, रट्टा मत मारा करो। इसने ए को डी का पोता बोला, ये डी है, डी का बेटा है, और डी के बेटे का बेटा क्या लगा, पोता ही तो लगा, आपका राइट आंसर है ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, फिर आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट भाई, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे वही वाला, ये तो पढ़ लोगे। समीकरण कहाँ है ये री, देखो ए थ्री बी नाइन सी थ्री डी ई फाइव ई, इसके अंदर क्या बताना है ए ई से कैसे संबंधित है, बना लो फिर डायग्राम। थ्री है ना ये रहा,
इसका मतलब है P Q की पुत्री है, A B की पुत्री है, A B की पुत्री है भाई। ओके बना दी हमने। फिर है नाइन, बीच में नाइन कहाँ पे है, ये रहा नाइन, इसका मतलब है आगे वाला पीछे वाले की बहन है, मतलब बी सी की बहन है, बी हो जाएगी भाई सी की बहन। फिर क्या उठाना है, सी थ्री डी, सी थ्री डी, थ्री ये रहा भाई, इसका मतलब है आगे वाला पीछे वाले की पुत्री है, यानी सी डी की पुत्री है, डी को ऊपर ले जाओ ये पुत्री बन गया। फिर क्या लेना है, डी फाइव ई, डी फाइव 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 ये रहा फाइव, पी क्यू का पिता है, डी ई का पिता है, डी ई का पिता है। तो बताओ भी इसका आंसर दो। अब सारे बच्चे ए ई से कैसे संबंधित है, ये ए ए है, ये ई से कैसे संबंधित है, ये तीनों आपस में भाई बहन है भाई, और ये जो बी है ना बी, ये ई की बहन है, और बहन की बेटी क्या कहलाती है, भांजी। तो ए ई की क्या हो जाएगी भाई, भांजी, आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, तो आज वाली क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए भाई, और कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।